गुड मॉर्निंग क्लास। सो देखिए, लास्ट क्लास तक हमने लेक्चर नंबर 7 कंप्लीट कर लिया है। दिस इज गोइंग टू बी आवर लेक्चर नंबर 8। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, अभी हम आपको सॉल्यूशन दे देते हैं। लास्ट क्लास आपको 2 होमवर्क मिला था, ये उनके सॉल्यूशंस हैं। आप इनको आराम से चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें, देख लें, मैच करा लें, या फिर हम आपको पीडीएफ भेजेंगे तो आपको वहाँ पे ये दिख जाएगा। कर सकते हैं? चलिए, अगर कर सकते हैं तो आइए हम अपना नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं, दैट इज स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। आपने इससे पहले भी एक बार नाम सुना होगा, स्यूडो सुना या नहीं? स्यूडो फोर्स पढ़ाया गया होगा आपको इन फिजिक्स। अगर नहीं पढ़े हैं तो भी कोई बात नहीं है। देखिए, पहले हम ये डिस्कस करते हैं स्यूडो की मीनिंग क्या है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन तो हमें पता ही है, अगर हमें ये स्यूडो का मीनिंग पता चल जाए तो हमारा काम हो जाए। ठीक है, स्यूडो का मतलब समथिंग विच इज इमेजिनरी, कुछ ऐसी चीज़ जो कि काल्पनिक है, रियल लाइफ से उसका कोई लेना देना नहीं है। या फिर अगर हम डेली लाइफ में वर्ड पूछे तो स्यूडो का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, तो भूत। एक ये थ्योरी है, ऐसा साइंटिस्ट का मानना है कि दिस इज अ काइंड ऑफ थ्योरी। हम ऐसा सोचते हैं, वैसे हमारी इमेजिनेशन के हिसाब से एक इमेज क्रिएट होती है, उसी को हम भूत वगैरह का नाम देते हैं। खैर, हमारा टॉपिक भूत और ये सब चीज़ें नहीं है। स्यूडो, स्यूडो का मतलब जो चीज़ जैसे दिख रही है कई बार वो वैसे नहीं होती है। हाँ, मान लीजिए आपको ये बोर्ड दिख रहा है और हो सकता है एक्चुअली ये बोर्ड ना हो, तो ये जो केस आपके माइंड में क्रिएट हो रहा है दैट इज नोन एज स्यूडो। स्यूडो का मतलब फॉल्स थिंग्स, आपको जो जैसा दिख रहा है एक्चुअली वो वैसा नहीं है, दैट इज नोन एज स्यूडो। अभी क्लियर है स्यूडो क्या हुआ? स्यूडो का मतलब आपको जो दिखाई पड़ रहा है एक्चुअली वो चीज़ वैसी नहीं है। तो स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का मतलब, हाँ, जो आपको रिएक्शन दिख रही है एक्चुअली वो वैसी रिएक्शन है ही नहीं। देख के आपको लगेगा, फॉर एग्जांपल एक रिएक्शन है और आपको देख के लग रहा है कि वो रिएक्शन क्या है, सेकेंड ऑर्डर, राइट? बट एक्चुअली वो रिएक्शन सेकेंड ऑर्डर ना होके क्या होंगी, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। तो ऐसे रिएक्शंस को हम बोलते हैं स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। स्यूडो क्यों? क्योंकि देख के आपको पता चलेगा ही नहीं कि ये फर्स्ट ऑर्डर है। देख के तो आपको लगेगा कि ये फर्स्ट ऑर्डर नहीं है, सेकेंड ऑर्डर हो सकती है, थर्ड ऑर्डर हो सकता है, बट जनरली सेकेंड ऑर्डर के चांसेस ज़्यादा होते हैं। लेकिन एक्चुअली वो क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस होती हैं। अब ये कैसे काम करती हैं, कैसे हो जाती हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस, उसके पीछे भी लॉजिक है, आप परेशान ना हो। लेकिन समस्या ये है कि इसकी मीनिंग क्या है। इसकी मीनिंग ये है कि दोज रिएक्शंस विच आर सीम्स टू बी ऑफ सेकेंड ऑर्डर बट एक्चुअली दे आर ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस, दे आर नोन एज स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। ऐसी रिएक्शंस जो देख के तो पता चलेगा कि सेकेंड ऑर्डर की हैं बट दे आर एक्चुअली ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। ऐसा क्यों होता है? ड्यू टू द चेंज इन हाई कंसनट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। और उसमें क्या होता है, जब दो रिएक्टेंट्स होंगे तो उन दोनों रिएक्टेंट्स में एक ऐसा रिएक्टेंट होता है जिसकी अमाउंट बहुत 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 ज़्यादा हो। हाँ, मतलब इतना ज़्यादा है कि अगर आप उसमें से कुछ ये निकाल भी लें तो ओवरऑल उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल अगर हम सी की बात करें, समुद्र, उसमें से आप एक बाल्टी पानी निकाल लें तो क्या आपको सी के टोटल वाटर में कुछ खास इफेक्ट देखने को मिलेगा? ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, मैथमेटिकली कुछ ना कुछ तो इफेक्ट आएगा, बट हम फिजिकली जितना फील कर पा रहे हैं उस हिसाब से हम उसको इग्नोर कर देते हैं, राइट? तो हमारी स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस वही होंगी जो देखने में सेकेंड ऑर्डर रहेंगी लेकिन एक्चुअली फर्स्ट ऑर्डर होंगी। क्या कंडीशंस होती है? तो बहुत सिंपल सा है कि उस दोनों में से एक रिएक्टेंट एटलीस्ट ऐसा होना चाहिए जो कि बहुत ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में हो, जिसमें सब कुछ निकाल भी लें तो उसके कंसंट्रेशन पर कोई इफेक्ट ना आए। क्लियर है? तो आइए हम पहले इसकी डेफिनेशन डिस्कस कर लें। जो चीज़ हमने एक्सप्लेन की वही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है, दोज रिएक्शंस विच आर एक्चुअली ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। ऐसी रिएक्शन जो कि एक्चुअली फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस होती हैं बट अपीयर्स और सीम्स टू बी ऑफ सेकेंड ऑर्डर, लेकिन देख कैसा लगता है कि वो कैसी हैं, सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शंस हैं, दे आर नोन एज स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। उनको हम क्या कहते हैं, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस कहते हैं। हमारे पास इसका पेटेंट रिएक्शन कह सकते हैं, एक जनरल रिएक्शन, कोई एक रिएक्टेंट ए है, दूसरा रिएक्टेंट बी है और उससे मुझे कोई प्रोडक्ट पी मिल रहा है, राइट? और मैंने कह दिया, मान लीजिए मैंने कह दिया
दीज रिएक्शंस आर एलिमेंट्री रिएक्शंस. हाँ, दीज रिएक्शंस आर एलिमेंट्री रिएक्शंस. और आपको पता है कि अगर एलिमेंट्री रिएक्शन दिया है तो हम उसका ऑर्डर बता सकते हैं. ऑर्डर क्या होता है? दैट इज इक्वल टू मॉलिकुलरिटी. देखिए, इसमें कितने मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करेंगे प्रोडक्ट बनाने के लिए. एक मॉलिक्यूल ए का, एक मॉलिक्यूल बी का, यानी टोटल कितने हो गए? टू. यानी कि इसका ऑर्डर देख के आपको क्या लग रहा है, क्या होना चाहिए? टू. बट ये रिएक्शन कैसी है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है. क्यों सर? आपने तो कहा था कि ये सेकेंड ऑर्डर होनी चाहिए, फिर फर्स्ट क्यों हो रही है? दिस इज द रीजन बिहाइंड इट. दिस इज एक्सेस इन अमाउंट. क्या जरूरी है हमेशा सेकेंड वाला ही एक्सेस में हो? बिल्कुल नहीं. बस एक कंडीशन होनी चाहिए कि हमारे जो दो रिएक्टेंट्स हैं उन दोनों रिएक्टेंट्स में से कोई एक रिएक्टेंट ऐसा होना चाहिए जो कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में हो. इतना ज़्यादा अमाउंट में हो कि अगर हम उसमें से कुछ वैल्यू निकाल भी लें तो ओवरऑल उसकी वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, या हम उसको नेग्लिजिबल ले सकते हैं. दैट इज गोइंग टू गिव यू फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस. तो इन्हीं रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं? स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस कहते हैं. अगर हम एग्जांपल्स की बात करें, इसके दो एग्जांपल होते हैं. पहला, हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल एसीटेट CH3COCl2H5, या इसको हम और किस नाम से जानते हैं? एस्टर. ओके, सो इनकी हाइड्रोलिसिस की जो प्रोसेस होती है दैट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एक्चुअली. बट देख के कैसा लगता है आपको? सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन. कैसे लगता है आइए बात करते हैं. हाइड्रोलिसिस कराना है, देन यू विल ऐड ऑन CH3COCl2H5. क्योंकि हाइड्रोलिसिस कराना है, देन यू विल मेक इट रिएक्टेड विद द वाटर, राइट, इन द प्रेजेंस ऑफ H+ आयंस. इसका मतलब क्या होता है? एसिडिक मीडियम. क्योंकि H+ आयंस कौन देते हैं? एसिड्स देते हैं. तो हमें कुछ कैटलिस्ट की जरूरत पड़ेगी, और वो कैटलिस्ट क्या होगा? कोई एसिड हो सकती है. कैटलिस्ट क्या करते हैं? इनकी रिएक्शन की स्पीड्स को बढ़ाते हैं. अब वो आगे हमारा टॉपिक है, आने वाले लेक्चर्स में हम कैटलिस्ट के इफेक्ट के बारे में भी देखेंगे कि एक कैटलिस्ट कैसे रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज करता है. वो बढ़ा भी सकता है और वो घटा भी सकता है. तो उन चीज़ों को हम वहाँ पर डिटेल में सीखेंगे. अभी तो बस आप यू जान लें कि ये H+ है, और H+ का मतलब यहाँ पे कोई एक एसिड के प्रेजेंस में इसका रिएक्शन कराया जा रहा है, हाइड्रोलिसिस कराई जा रही है. अब ध्यान से देखिए, अगर आप इसको देख पा रहे होंगे तो आप देखेंगे ये जो CH3COCl2H5 है, ठीक है, और ये H2O है, इन दोनों में से कौन सा रिएक्टेंट ऐसा है जो बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में हो सकता है? वाटर. क्योंकि हमारे देश में, और सिर्फ हमारे देश में क्या, हमारे अर्थ पे वाटर की कोई कमी नहीं है. अच्छा है? नहीं, वो पीने लायक वाटर की कमी है. हाँ, आपने चीज़ ज़रूर सुनी होगी कि हमारे यहाँ पानी की बड़ी किल्लत है. वो पीने वाली पानी की किल्लत है, पानी की नहीं. तो वाटर हमारे पास बहुत एक्स्ट्रा अमाउंट में होता है, तो हम आराम से वाटर को एक्सेस अमाउंट में डाल सकते हैं. अब बताइए, अगर मुझे इसके लिए ऑर्डर लिखना हो, रे ऑर्डर हम कैसे लिखते हैं? के रेट कॉन्स्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, दैट इज CH3COCl2H5. आप बताएं, मैंने अभी आपसे कहा ये रिएक्शंस कैसी हैं? एलिमेंट्री रिएक्शन है. इसका मतलब पावर में कौन आता है? स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशेंट. इसका कोफिशेंट कितना है? यहाँ पे कौन छुपा होगा? 1. यानी कि इसका पावर 1, जो कि आपको दिखाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है. नेक्स्ट वाटर, इसका भी कोफिशेंट कितना? 1. अब बताएं ऑर्डर कितना आएगा. ऑर्डर क्या होता है? जितने भी रिएक्टेंट्स के कंसंट्रेशन के पावर हैं उनका सम, 1+1 दैट इज 2. यानी कि आपको देख के क्या लग रहा है, ये रिएक्शन कैसी है? दिस इज ऑफ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, बट एक्चुअली इट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. हाँ, आपने सही सुना, एक्चुअली ये क्या है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है. अब कैसे है आइए इसी चीज को हम डिस्कस करेंगे. अभी आपने देखा मैंने लिखा ऑर्डर इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ CH3COCl2H5 एंड कंसंट्रेशन ऑफ H2O. दोनों के पावर 1-1 है, और पावर 1 को हम शो नहीं करते इसलिए हमने छिपा दिया है, राइट. अब क्योंकि ये जो वाटर है इट इज इट एक्सेस अमाउंट, ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में है, इसलिए
इसके जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे इफेक्ट आएगा दैट इज गोइंग टू बी नेग्लिजिबल। ध्यान रहे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वाटर की कंसंट्रेशन नेग्लिजिबल है, मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि वाटर की कंसंट्रेशन में जो चेंजेस आएंगे वो चेंज नेग्लिजिबल होगा, यानी कि ये बदला और नहीं बदला में कोई खास अंतर नहीं होने वाला, क्योंकि बहुत ज़्यादा अमाउंट में थोड़ा आप निकाल भी लेते इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ़र्क नहीं पड़ता इसका मतलब ये चेंज नहीं हुआ, थोड़ा सा हुआ जिसको हम नेग्लिजिबल मान लिए, बट ये ज़्यादा चेंज नहीं हुआ तो हम इसको क्या कर सकते हैं, अगर ये चेंज नहीं हो रहा है इट मीन्स दिस इज गोइंग टू बी कॉन्स्टेंट। हाँ, जो चीज़ें चेंज नहीं होती उसको हम क्या कहते हैं, कॉन्स्टेंट, वो फिक्स हो गई। तो H2O क्या हो गया, एक कॉन्स्टेंट। बात समझ में आ रही मेरी, मैंने क्या कहा, क्योंकि वाटर में कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा चेंज नहीं, थोड़ा सा चेंज होता है जो कि हम इग्नोर कर सकते हैं, तो मैं कह सकता हूँ कि ओवरऑल H2O के अमाउंट में कोई चेंज नहीं आया, तो H2O की वैल्यू सेम है, यानी कि क्या कह सकते हैं, ये कॉन्स्टेंट है। आप देखिए कि ये कॉन्स्टेंट आपके पास और एक ये कॉन्स्टेंट आपके पास, क्या हम दोनों कॉन्स्टेंट को सॉल्व करके कोई नया कॉन्स्टेंट बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। तो देखिए मैं क्या लिखूंगा कि कंसंट्रेशन ऑफ H2O, क्योंकि ये भी कॉन्स्टेंट है ये भी कॉन्स्टेंट है, मैं नया कॉन्स्टेंट डिफाइन कर सकता हूँ के डैश, आप K1 K2 आप कुछ भी लिख लें आपकी च्वाइस है, मैं इसको क्या लिखूंगा K डैश। के डैश की वैल्यू किसकी इक्वल होगी, याद रखिएगा के डैश इज ऑलवेज द प्रोडक्ट ऑफ रेट कॉन्स्टेंट ऑफ द रिएक्शन मल्टीप्लाइड बाई द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट विच इज एक्सेस इन अमाउंट। हर बार वाटर हो कहना गलत है, कोई भी एक्सेस अमाउंट में हो सकता है, तो मैंने जनरलाइज नाम बता दिया, वैसे इस केस में ये क्या है, वाटर। तो के डैश की वैल्यू तो आप याद रख लेंगे। अब आपको दिखेगा कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कैसे हो रहा था, फिर हम लिखेंगे ऑर्डर इज इक्वल टू, अब इन दोनों टर्म्स को हटा के हम क्या लिखेंगे यहाँ पर के डैश, नया कॉन्स्टेंट, और मुझे क्या मिलेगा, कंसंट्रेशन ऑफ CH3COCH2H5 मिल गया। बताइए इसके पावर कितना है, 1। अब बताइए ऑर्डर कितना है, 1, और यही इसका एक्चुअल ऑर्डर होता है। देख के आपको क्या लगा था, 2 होना चाहिए 1+1, लेकिन चेंज कहाँ हुआ, किस वजह से हुआ, तो इस वाटर की वजह से, क्योंकि इसकी वैल्यू ओवरऑल कुछ खास चेंज नहीं हुई थी, तो मैंने इसको कॉन्स्टेंट मान लिया, तो ये तो गायब हो गया, सिर्फ एक ही रिएक्टेंट बचा जो कि वेरिएबल है और उसका पावर 1 है, इसीलिए इसका ऑर्डर भी कितना आ गया, 1 आ गया। समझ में आ गया, तो ऐसी रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। इसी तरह एक और एग्जांपल होता है, दैट इज केन शुगर, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। केन शुगर कितना होता है, C12H22O11। जब हम इसकी हाइड्रोलिसिस कराते हैं, अगेन H2O से रिएक्शन कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, दैट इज H+ आयंस। ठीक है, तो फिर मैं इसका ऑर्डर लिखूं, तो बताइए ऑर्डर क्या आएगा, K कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट C12H22O11 रेस्ट टू द पावर 1, क्योंकि इसका कोफिशियंट 1 है। ध्यान रहे दीज आर एलिमेंट्री रिएक्शंस, एलिमेंट्री रिएक्शन है, इसीलिए इसका जो कोफिशियंट है वही इसका पावर आएगा 1। नेक्स्ट कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, आप बताएं ये केन शुगर है ये वाटर है, दोनों में से कौन एक्सेस अमाउंट में हो सकता है, वाटर, यानी कि हम क्या कह सकते हैं, इस वाटर की कंसंट्रेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये कॉन्स्टेंट हो गई, ये कॉन्स्टेंट, क्या हम दोनों को हटा के नया कॉन्स्टेंट लिख सकते हैं? तो देखिए अगर हम लिखे तो क्या लिखेंगे, ऑर्डर इज इक्वल टू नया कॉन्स्टेंट के डैश, के डैश की वैल्यू किसकी इक्वल आएगी, के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ द वाटर, और यहाँ क्या बचा हमारा, कंसंट्रेशन ऑफ C12H22O11। बताया ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर तो होता है रिएक्टेंट्स के पावर का सम, एक ही रिएक्टेंट है और उसका पावर कितना है यहाँ पर, 1, सो ये इसका भी ऑर्डर क्या आ गया, 1। देखिए फिर से आपको देख के क्या लग रहा था, इसका ऑर्डर कितना होना चाहिए था, 2, 1+1 कितना होना चाहिए था, 2, लेकिन होता है कितना एक्चुअली, 1। सो दिस इज ऑल्सो नोन एज स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सो ये दो एग्जाम्पल्स होते हैं स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा।
आयन की कुछ प्रॉपर्टीज हम डिस्कस करेंगे, राइट। तो कुछ पॉइंट्स हम इनके बारे में नोट करते हैं। पहला, कैसे पता चलेगा? इफ एनी वन आउट ऑफ द रिएक्टेंट्स, मतलब जितने भी रिएक्टेंट्स हैं, जनरली दो होंगे, उन दोनों रिएक्टेंट्स में से कोई भी एक रिएक्टेंट क्या हो, एक्सेस अमाउंट में हो, इज एक्सेस इन अमाउंट, देन ओनली स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज ऑब्जर्व। तभी आपको स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन देखने को मिलता है सिंपल वर्ड्स में, क्योंकि एक्सेस में होगा तो हम उसको कॉन्स्टेंट बना देंगे और उस कंसंट्रेशन रिएक्टेंट टर्म को हटा देंगे, सिर्फ एक ही टर्म बचेगा और वहाँ से मुझे ऑर्डर कितना मिलेगा, फर्स्ट ऑर्डर का, राइट। तो देयर वॉज द फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, इट इज एन एलिमेंट्री बायमोलिकुलर रिएक्शन। एलिमेंट्री का मतलब तो समझ में आ गया, हाँ। बायमोलिकुलर का मतलब इसकी मोलिकुलरिटी कितनी होनी चाहिए, 2। अगर हम एलिमेंट्री की बात करते हैं या इसकी मोलिकुलरिटी ही ऑर्डर होनी चाहिए, तो बायमोलिकुलर का मतलब भी मैंने कहा 2, तो ऑर्डर भी कितनी होनी चाहिए, 2। होती कितनी है, 1। क्यों होती है, क्योंकि एक रिएक्टेंट क्या होता है, एक्सेस अमाउंट में होता है जिसको हम कॉन्स्टेंट मान देते हैं, तो उसको इग्नोर कर देंगे, फिर ओवरऑल हमें ऑर्डर कितना मिल जाता है, 1। नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं, दैट इज थर्ड, दिस रिएक्शन अपीयर्स टू बी ऑफ सेकेंड ऑर्डर बट आर एक्चुअली ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। देख के आपको लगेगा ये क्या है, सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शंस है, लेकिन ये क्या होती हैं, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शंस होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास, द एक्सेस रिएजेंट विल बी कंसिडर्ड एज द कॉन्स्टेंट। हाँ, इसमें वो रिएजेंट या वो रिएक्टेंट जो कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में होता है उसको हम क्या कहते हैं, कॉन्स्टेंट मान लेते हैं। एंड द लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, दीज रिएक्शंस आर कैटलाइज्ड बाई एसिड्स। ये जो रिएक्शंस हैं ये किससे कैटलाइज की जाती है, किससे इफेक्टेड की जाती हैं, 2000 एसिड्स, यानी कि हम कैटलिस्ट के फॉर्म में किसको यूज करते हैं, एसिडिक मीडियम को, यानी कि एसिड्स यूज करते हैं। क्लियर है, एक बार देख ले पार्ट्स विजिबल है या नहीं। हाँ ठीक है विजिबल है। आइए, हमने स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन तो देख लिया, आगे हम बढ़ते हैं और हमारे पास एक छोटा सा और टॉपिक रह गया है। जैसे कि अभी आपको पता है, देखिए के के लिए आपका रिलेशन क्या है, 1/T नेचुरल लॉग a0/at। ए नॉट क्या होता है, इट इज़ द इनिशियल कंसंट्रेशन। at क्या होता है, इट इज़ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एट एनी टाइम t। इसको हम चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, k = 2.303/t log बेस 10 a0/at। इसी तरह से अगर यही रिएक्शंस किसके लिए मुझे लिखनी हो, गैसियस के लिए, यानी कि अगर गैसियस फेज में रिएक्शन दिया गया हो और उस केस में मुझसे k कैलकुलेट करना हो, तो हम क्या लिखेंगे, k = 1/t। चाहे आप नेचुरल लॉग लिख ले, हाँ 1 लिखे तो नेचुरल लॉग ले लें, लॉग नेचुरल लॉग हो गया ना। अब देखिए ये ए नॉट क्या था, कंसंट्रेशन। अब क्योंकि हम गैसियस फेज में बात करते हैं तो हम कंसंट्रेशन ना डिफाइन करें, क्या डिफाइन करते हैं, प्रेशर। सो देखिए हम क्या लिखेंगे, पी नॉट अपॉन पी टी, क्या हो जाएगा, k = 1/t नेचुरल लॉग p0/pt। ये p0 किसका है, इट इज़ द प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट, या फिर आप कह सकते हैं एट द स्टार्टिंग टाइम, या फिर सिंपली ये भी कहते हैं इनिशियल प्रेशर ऑफ द रिएक्टेंट। और ये क्या है, इट इज़ द प्रेशर ऑफ द रिएक्टेंट एट एनी टाइम t। सब कुछ वही है, यहाँ पे हम कंसंट्रेशन बोलते हैं, यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, प्रेशर। तो मुझे बस ये चीज़ ऐसे याद रखनी है, लेकिन इसका डेरिवेशन काफ़ी अलग है, डेरिवेशंस काफ़ी अलग हैं, तो हम डेरिवेशंस को पहले डिस्कस करेंगे। एक बार फिर से हम कहते हैं डेरिवेशंस थोड़ा सा टफ है, टफ नहीं है, कन्फ्यूजन बहुत होगी आपको, तो बहुत ही ध्यान से देखिएगा तो आपको क्लियर होगा, हो सकता है आपको ये चीज़ थोड़ा सा दोबारा भी देखना पड़ जाए। तो ठीक है, नेक्स्ट है हमारा हेडिंग, फर्स्ट ऑर्डर गैस फेज रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर की अगर गैसेज स्टेट में लिखी हुई रिएक्शन के लिए मुझे रेट कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट करनी हो तो हम कैसे करेंगे, राइट। सो हम लिखेंगे, लेट अस कंसीडर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इन गैसियस स्टेट। मेरे पास एक रिएक्शन मैंने जनरल ले ली है
ए गैस गिव्स बी गैस एंड सी गैस, कोई एक रिएक्टेंट है ए जो किस कंडीशन में है, गैस स्टेट में, और उन प्रोडक्ट में मुझे क्या दे रहा है, बी और सी। अब जाहिर सी बात है गैस है तो इनके कुछ ना कुछ पार्शियल प्रेशर्स होगा, हम लोग पढ़ चुके हैं डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर्स। तो मैंने ए के पार्शियल प्रेशर को मैंने क्या कहा, पी ए, बी को पी बी और सी को पी सी कह सकते हैं क्या? हाँ, स्टार्टिंग टाइम पे इसका पार्शियल प्रेशर पी ए, पी बी और पी सी। अब मुझे बताएं कि टोटल प्रेशर इनिशियली, इनिशियली टोटल प्रेशर कितना आएगा? इनिशियली को हम लिख रहे टी इक्वल टू जीरो, टोटल प्रेशर को हम क्या लिखते हैं, पी टी। बताइए तीन अलग अलग प्रेशर्स हैं ना, ये जो रिएक्शन है उस रिएक्शन में कौन कौन है, जाहिर सी बात है फर्स्ट होगा, सेकेंड होगा, थर्ड, तीनों होंगे। अगर हम तीनों की बात करें तो टोटल प्रेशर कैसे निकालेंगे, पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी, राइट? यानी कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, पार्शियल प्रेशर ऑफ सी, तीनों का सम। लेकिन आप मुझे एक बात बताएं, जब रिएक्शन भी स्टार्ट ही नहीं हुआ, टी इक्वल टू जीरो का मतलब भी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है, तो उस टाइम पे प्रोडक्ट बना होगा या नहीं? नहीं। अगर प्रोडक्ट बना ही नहीं है तो इसका मतलब क्या बी और सी की कुछ प्रेशर होगी? नहीं होगी। जब बी और सी एग्जिस्ट करेंगे तो उनका प्रेशर भी एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि अभी रिएक्शन मेरी स्टार्ट ही नहीं हुई है। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, अभी क्योंकि प्रेशर स्टार्ट, सॉरी, रिएक्शन भी स्टार्ट नहीं हुई है, इसका मतलब बी और सी तो बना ही नहीं। अगर बी और सी अभी तक बने नहीं हैं तो इनका प्रेशर हो नहीं सकता, यानी कि इनका प्रेशर कितना हो गया होगा, जीरो। क्या बचा मेरा, पी ए। यानी कि हम कह सकते हैं कि इनिशियली, इनिशियली जो टोटल प्रेशर दिया रहेगा वो उसके रिएक्टेंट के इनिशियल प्रेशर के ही इक्वल रहेगा। बात मेरी समझ में आई? एक बार फिर से, अगर हम टोटल प्रेशर कैलकुलेट करते हैं तो हम क्या करते हैं, जितने भी प्रेशर होते हैं सबको ऐड कर देते हैं, राइट? अब देखिए, मैंने लिखा पी टी, टोटल पार्शियल प्रेशर एट स्टार्टिंग टाइम, तो मेरे पास तीन टर्म्स हैं, तो मैंने लिखा पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ सी। कंडीशन क्या है, क्योंकि अभी स्टार्टिंग टाइम है, टी इक्वल टू जीरो, अभी रिएक्शन स्टार्ट होने वाली है, हुई नहीं है, इसका मतलब रिएक्शन अभी स्टार्ट नहीं होता, सिर्फ रिएक्टेंट होगा, मेरे पास प्रोडक्ट तो अभी बना नहीं, यानी कि बी और सी अभी एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बी और सी एग्जिस्ट नहीं करते जब वो है ही नहीं, तो इनका प्रेशर कैसा, इसलिए इनका प्रेशर तो हम जीरो ले लेंगे। तो फिर किसका प्रेशर सिर्फ बचा, ए का, जो रिएक्टेंट है। यानी कि हम कह सकते हैं कि इनिशियली टोटल प्रेशर इज ऑलवेज इक्वल टू द प्रेशर ऑफ द रिएक्टेंट। बात समझ में आ गई, याद रखेंगे। चलिए ध्यान रहे, ये जो पी टी हम लिख रहे हैं दिस इज फॉर टोटल प्रेशर, और जो हमारे फॉर्मूला में हमने पी टी लिखा था वो पी टी किसके लिए हैं, दैट इज फॉर द प्रेशर ऑफ द रिएक्टेंट एट एनी टाइम टी, राइट? ये टोटल प्रेशर की बात हो रही है। फिलहाल आप पी टी के बजाय चाहें तो पूरा ही लिख लें, टोटल प्रेशर, यहाँ भी टोटल प्रेशर, यहाँ भी टोटल प्रेशर कर सकते हैं। चलिए, यानी कि आपको इनिशियली T इक्वल टू जीरो पर टोटल प्रेशर टी पी इज इक्वल टू क्या मिल गया, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, सही है? अब रिएक्शन स्टार्ट होगी, कुछ टाइम तक रिएक्शन चलेगी, तो जैसे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कम होता था उसी तरह प्रेशर भी क्या होगा, कम होगा। आइए हम अपने रिएक्शन की बात कर ले, मेरा रिएक्शन क्या है, ए गैस गिव्स अस बी गैस एंड सी गैस, राइट? इनिशियली तो मान लीजिए मैंने इसका प्रेशर माना था पी ए, इसका पी बी और इसका पी सी, इनिशियली ये जीरो था, ये जीरो था, लेकिन इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू थी। अब टाइम टी पर इसका प्रेशर कम हो गया होगा, मैंने मान लिया इसका प्रेशर कितना कम हो गया, एक्स वाई जेड वेरिएबल, कोई वेरिएबल आप ले ले, हाँ मान लेते हैं हम वाई कम हो गया, या फिर वाई तो हमको लगता हम लेके किए होंगे, हम जेड ले लेते हैं यहाँ पर, ताकि आपको एकदम क्लियर है कि कोई भी वेरिएबल उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो जेड कम हो गया, आप बताइए अगर ये जेड कम हुआ तो ये कितना बना होगा, ये देखना होगा हमें ना। तो देखिए बहुत सिंपल सा है, इसके एक मोल से इसका भी एक मोल बनेगा, इसका भी एक मोल बनेगा, तो बताइए इसके एक्स से इसका भी एक्स, इसका भी एक्स, अगर ये जेड कम हुआ तो ये भी जेड बनेगा और ये भी जेड बनेगा। अब प्रेशर का कोई भी यूनिट रख सकते हैं, जनरली हम इसको डिस्कस करते हैं एटीएम को, तो मान लीजिए अगर ये जेड एटीएम कम हुआ तो ये भी जेड एटीएम बन गया
और ये भी जेडेटीएम बन गया। अगर और भी प्रोडक्ट में होते तो उनका भी जेडेटीएम ही बनता। क्लियर है इतना? चलिए आप मुझे बताएं, अब यहीं से देख लीजिए, टोटल प्रेशर एट टाइम टी कितना होगा? ये प्लस ये प्लस ये, पसंद में आया? जैसे हम इनिशियली के लिए निकाले थे पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी, फिर सॉल्व किए थे, उसी तरह से अगर हम टाइम टी पे टोटल प्रेशर की बात करें तो इसका प्रेशर यानी कि पी ए माइनस जेड, राइट, प्लस जेड प्लस जेड। देखिए माइनस जेड प्लस जेड तो कैंसिल हो गया, क्या मिलेगा यहाँ से? पी ए प्लस जेड। आपको ये बात समझ में आई है? ये क्या है? दिस इज द टोटल प्रेशर एट टाइम टी। इस चीज को भी मैं यहां लिख लेता हूं, ये था टी इक्वल टू जीरो, ये टाइम टी पर टोटल प्रेशर इज पी ए प्लस जेड। ये बात समझ में आई आपको? देख, अगर हम यही चीज जेड में, यहां से हमें अगर जेड की वैल्यू कैलकुलेट करनी हो तो हम जेड को यही रहने दे, इसको इधर भेज दे, तो टोटल प्रेशर को मैंने क्या लिखा है? हाँ भी मान लीजिए टोटल प्रेशर ही लिख सकते हैं, ऐसे ही टोटल प्रेशर माइनस पी ए, ये बन जाएगा ना। चलिए देखिए, मेरा टाइम टी इज इक्वल टू, रिएक्शन कहाँ गई? हाँ, टाइम टी इज इक्वल टू टी पे रिएक्टेंट के प्रेशर की बात करनी है। पी टी क्या था? टाइम टी पे रिएक्टेंट की प्रेशर, तो बताइए कितना है? दैट इज पी टी इज इक्वल टू, यहां पर देख के क्या मुझे पता चल रहा है? दैट इज इक्वल टू पी ए माइनस जेड। ध्यान रहे, ये मैं प्रेशर एट टाइम टी ऑफ द रिएक्टेंट की बात कर रहा हूं, टोटल प्रेशर की नहीं। टोटल प्रेशर तो मैंने कैलकुलेट किया था, पी ए प्लस जेड आया है। अभी मैं किसको डिस्कस कर रहा हूं? सिर्फ इस रिएक्टेंट के टाइम टी पे प्रेशर, तो क्या होगा? पी ए माइनस जेड, क्योंकि ये क्या है? पी ए माइनस जेड है, और जेड की वैल्यू अभी अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया है, कितना आया था? देखिए टोटल प्रेशर किधर गया? हाँ, जेड की वैल्यू आई टोटल प्रेशर माइनस पी ए, तो हम यहाँ लिख देंगे टोटल प्रेशर पी ए माइनस, टोटल प्रेशर को मैंने लिखा पी टी। ध्यान रहे, ये क्या है? टोटल प्रेशर, राइट, माइनस पी ए, ये होगा। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर दे तो देखिए ये पी ए ही रहेगा, ये माइनस होता है सबका सिंबल उल्टा होगा, ये हो जाएगा माइनस पी टी और ये हो जाएगा प्लस पी ए। आप देखिए पी ए और पी ए ऐड होके क्या हो जाएंगे? टू पी ए, और ये क्या बनेगा हमारा? माइनस पी टी। ये पहलू किसकी है? पी टी की। अब समझिए बार बार पी टी पी टी कैसे उल्टा आ रहा है। हाँ, आप इसके लिए कोड यूज कर सकते हैं। ये जो पी टी है इसको आप ऐसे लिखिए कैपिटल पी कैपिटल टी यानी कि टोटल प्रेशर, या फिर आप इसको टी पी लिखे टोटल प्रेशर, तो ये भी होगा टोटल प्रेशर, ये भी होगा आपका टोटल प्रेशर, राइट, और ये क्या हमारा? प्रेशर ऑफ द रिएक्टेंट एट टाइम टी, उसकी वैल्यू मुझे ये मिल गई। बस अगर आपको ये निकालने आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए मुझे के की वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है? वन अपॉन टी नेचुरल लॉग ए नॉट अपॉन ए टी। ये कब है? लिक्विड केस में। गैसियस फेज में हम क्या लिखेंगे? वन अपॉन टी नेचुरल लॉग पी नॉट। पी नॉट क्या है? इट इज द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, सॉरी इट इज द इनिशियल प्रेशर ऑफ द रिएक्टेंट, एंड पी टी इज द पी टी इज द प्रेशर एट टाइम टी ऑफ द रिएक्टेंट। तो देखिए वन अपॉन टी वही लिख लेंगे नेचुरल लॉग, इनिशियल प्रेशर को हमने क्या लिखा है? पी ए, हमने कितना मान कर चला है? पी ए, ठीक है, तो हम यहां लिख देंगे पी ए अपॉन। अब समस्या ये है कि ये क्या हमारा? पी टी, पी टी यानी कि प्रेशर एट टाइम टी ऑफ द रिएक्टेंट, जिसकी वैल्यू अभी हम लोगों ने कैलकुलेट की थी, कितना आया है? दैट इज इक्वल टू टू पी ए माइनस टोटल प्रेशर, टू पी ए माइनस टोटल प्रेशर, यही है हमारा डेरिवेशन। इसको कई बार आपको 2.303 के टर्म्स में भी मिल जाएगा,
तो आप उसको कैसे लिखेंगे, वो तो आपको अब तक आ ही चुका होगा। उसमें बस आपको कुछ नहीं करना है, ये लिखेंगे के इज इक्वल टू नेचुरल लॉग को बेस 10 में कन्वर्ट कर दिया जाएगा 2.303 अपॉन टी लॉग बेस 10 एंड पी ए अपॉन 2 PA माइनस टोटल प्रेशर। कर सकते हैं, आपको ये बिल्कुल रटना नहीं है, ये एक डेरिवेशन है, जरूरत पड़ने पे आपसे पूछा जा सकता है, तो आपको डिराइव करना आना चाहिए, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। हम तो कॉन्सेप्ट सीख लेंगे और उसी कॉन्सेप्ट को बस यूज क्या करेंगे, इसके चक्कर में हमें बिल्कुल पढ़ना नहीं है, राइट? ओके, तो आपको एक बार ये पूरा क्लियर हो गया होगा। अब एक बार हम फिर समझाते हैं, क्योंकि मुझे पता है इसमें कन्फ्यूजन होने के चांसेस हैं। अगर समझ में आ गया तो आप थोड़ा सा वीडियो को स्किप कर दें, और अगर नहीं आया है तो अभी वेट करें, ठीक है? मैं इसको एक बार क्लैरिफाई कर देते हैं। अगेन गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो देखिए, टाइम ज़्यादा लग गया। हाँ, लाइट करी फिर तो लाइट आई ही नहीं। सो नेक्स्ट डे अब रिकॉर्डिंग हो रही है। चले, लास्ट क्लास हमने इसको डिराइव कर लिया था, हमने कहा था कि हाँ आपको दिक्कत आएगी, आई भी होगी। अब हम इसको एक और तरीके से डिराइव कराते हैं, मेरे हिसाब से वो ज़्यादा आसान पड़ेगा आपके लिए। आप देख ले, आपको जो सही लगे आप उसको फॉलो करें। इक्वेशन क्या था हमारा, एक गैसियस स्टेट गिव्स अस प्रोडक्ट बी इन द गैसियस फॉर्म एंड प्रोडक्ट सी इन द गैसियस फॉर्म। क्लियर है? हमने स्टार्टिंग में कुछ कंडीशंस मान के चली थी, जैसे कि इसका पार्शियल प्रेशर क्या होगा, पी ए, तो इसका पार्शियल प्रेशर हम क्या लिख सकते हैं, पी बी, और इसका पार्शियल प्रेशर सी। कब हम लेके चल रही है, एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो, यानी कि अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है, होने वाली है, अभी स्टार्ट नहीं हुई है। चलिए हम कुछ टर्म्स डिफाइन कर लेते हैं पहले से, जैसे कि हम जब हम टोटल प्रेशर टी पी नॉट लिखेंगे, इसका मतलब हम क्या डिफाइन करेंगे, टोटल प्रेशर एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो। फिर हम एक टर्म और लिखेंगे, टोटल प्रेशर पी टी, इसका मतलब टोटल प्रेशर एट टाइम टी। ध्यान रखिए, टोटल प्रेशर पूरे रिएक्शन के प्रेशर्स की बात हो रही है। एक चीज, पी ए क्या है, इसका रिएक्टेंट ए का इनिशियल प्रेशर है, इसी का हमने मान लिया पी टी। क्या हो गया इसका, प्रेशर ऑफ द रिएक्टेंट ए एट टाइम टी। अब बताइए, अगर इसका प्रेशर पहले पी ए था तो अभी तो कुछ कम हो गया होगा, क्योंकि रिएक्टेंट में कंसंट्रेशन कम हो रही है तो प्रेशर कम होगा। मान लेते हैं ये एक्स कम हो गया, दैट इज इक्वल टू, राइट? हमने मान लिया ये एक्स कम हो गया, तो पहले पी ए था, एक्स कम हो गया, तो बोला कितना, पी ए माइनस एक्स। अगर ये एक्स कम होगा तो ये एक्स बनेगा और ये भी एक्स बनेगा, राइट? अब बताइए, इनिशियली अगर हम बात करें तो इसी कुछ ना कुछ वैल्यू रही होगी, रिएक्टेंट रहा होगा, लेकिन इनिशियली टाइम टी इक्वल टू जीरो जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई थी तो प्रोडक्ट तो बना ही नहीं था, यानी कि उस केस में ये जो पी बी की वैल्यू होगी डेट वॉज जीरो, एंड सिमिलरली पी सी की वैल्यू भी क्या रही होगी, जीरो। ये बात समझ में आ रही है, क्योंकि रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ होगा तो प्रोडक्ट बने नहीं होंगे। प्रोडक्ट जब बना नहीं तो उसका प्रेशर की हम बात ही नहीं कर सकते, ज़्यादा प्रोडक्ट रहता तब तो प्रेशर होता, राइट? तो आप मुझे ये बताएं, अगर मैं यहाँ से अगले पेज पे लिखूँ टोटल प्रेशर एट टाइम टी इक्वल टू जीरो, यानी कि मैं क्या कैलकुलेट करने जा रहा हूँ, टी पी नॉट। तो देखिए, टी पी नॉट और प्रेशर किसे एक सा होगा, पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी। हम लिखेंगे पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी, लेकिन चूंकि आपको पता है पी ए तो एक नॉन जीरो वैल्यू होगी, लेकिन पी बी और पी सी की वैल्यू क्या है, जीरो, और इसको आप सॉल्व करें तो किसके इक्वल आएगा, पी ए के इक्वल आएगा। ये वैल्यू किसकी है, टोटल प्रेशर एट टाइम टी इजक्वल टू जीरो पर है। कर सकते हैं, ये हमें मिल गया एक इक्वेशन। इसी तरह हम क्या करें, टोटल प्रेशर एट टाइम टी कैलकुलेट भी कर लें। तो देखिए, टाइम टी पे ये प्रेशर प्लस ये प्रेशर और प्लस ये प्रेशर, तीनों का सम करना होगा, क्योंकि इस बार कोई वैल्यू नॉन जीरो
सॉरी कोई वैल्यू जीरो नहीं है, तो हमारा कितना था, दैट इज पी ए माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, यही है ना, पी ए माइनस एक्स प्लस एक्स एंड प्लस एक्स। आप इसको सॉल्व करें, माइनस एक्स प्लस एक्स विल गेट कैंसल्ड एंड यू विल गेट पी ए प्लस एक्स। ध्यान रहे ये वैल्यू किसकी है, टोटल प्रेशर एट टाइम टी की। तो अब तक हमें दो इक्वेशन मिल गई, एक मुझे मिल गया टोटल प्रेशर एट टाइम टी इक्वल टू जीरो दैट इज इक्वल टू पी ए, एंड दूसरा मिल गया हमें टोटल प्रेशर एट टाइम टी दैट इज इक्वल टू पी ए प्लस एक्स। क्लियर है? लेकिन जहाँ तक हम आपको बताए हैं, आपको पता होगा कि अगर हम के डिफाइन करें तो हम क्या लिखते हैं, अगर बेस 10 में लिख रहा हो तो 2.303 अपॉन टी लॉग बेस 10। प्रेशर के टाइम में भी हम ये लिखेंगे पी नॉट अपॉन पी टी। ये पी नॉट हम क्या लेके चलते हैं, प्रेशर ऑफ द रिएक्टेंट इनिशियली या फिर एट टाइम टी इक्वल टू जीरो, और ये क्या है, प्रेशर ऑफ द रिएक्टेंट एट टाइम टी। ध्यान रहे प्रेशर ऑफ द रिएक्टेंट एट टाइम टी, पूरे प्रेशर की बात नहीं हो रही है, यानी कि मुझे क्या चाहिए, इनिशियल प्रेशर। इनिशियल प्रेशर तो हमें पता है, देखिए कैसे, लॉग बेस 10। आप बताएं रिएक्टेंट, रिएक्टेंट के इनिशियल प्रेशर आपने कितना माना है, गुड पी ए। हमने पी ए क्यों लिखा, हमने पूरा क्यों नहीं लिखा पी ए पी बी पी सी, बहुत सिंपल। आप देखिए यहां पर हमें रिएक्टेंट पे फोकस करना है, जो हमारा फॉर्मूला में वैल्यू यूज होगा वो सिर्फ रिएक्टेंट के लिए चाहिए। तो इसकी इनिशियल वैल्यू आपने कितना मानी है, पी ए, राइट। और पी टी कितना माना है आपने, पी ए माइनस एक्स के बराबर आया है। तो यही चीज़ हमें यहाँ पर रेप्लिकेट करना है, हम क्या मिलेगा हमें पी ए अपॉन पी टी। इस वैल्यूज को वैसे सेम रहने दे, 2.303 अपॉन टी लॉग बेस 10। और आप ध्यान से देखें तो पी ए को तो पी ए रहने देंगे हम, पी टी को क्या लिख सकते हैं, पी टी पहले पी ए था उसमें से एक्स कम हो गया, यानी कि क्या हो जाएगा पी ए माइनस एक्स। तो आप यहाँ लिख सकते हैं पी ए माइनस एक्स। अब समस्या ये है कि एक्स कहाँ से मिले, अगर हमें एक्स मिल जाएगा तो हम एक्स की वैल्यू रख देंगे, हमारा कैलकुलेशन और डेरिवेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो एक्स चाहिए, राइट, द टारगेट इज एक्स। तो आइए वापस इसमें देखिए, कहीं आपको एक्स का टर्म दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है। अब आप क्या करें, यहाँ से x की वैल्यू निकाले तो x को यहीं रहने दें, इसको इधर सेंड कर दें, ये क्या हो जाएगा, टोटल प्रेशर एट टाइम t माइनस पी ए, ये मिल गई आपको वैल्यू किसकी, x की। इस वैल्यू को उठा के हम कहाँ रख देंगे, अपने इक्वेशन में। तो देखिए हमें क्या मिलेगा x की वैल्यू, अब तो मुझे लगता है न्यू पेज यूज करना चाहिए, पार्ट विजुअल होगा अभी, हाँ होना चाहिए। देखिए दिस इज गोइंग टू बी 2.303 अपॉन टी लॉग बेस 10, पी ए तो वैसे ही रहेगा, फिर से पी ए है उसको भी ऐसे रहने दे, माइनस एक्स की वैल्यू रखना है, एक्स की वैल्यू आया था टोटल प्रेशर एट टाइम टी माइनस पी ए। आप चाहते एक बार फिर से देख लें, कहाँ गया, हाँ एक्स की वैल्यू आई है टोटल प्रेशर एट टाइम टी माइनस पी ए, तो इसी वैल्यू को उठा के मैंने यहाँ रख दिया। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, तो हमें क्या मिलेगा, k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग बेस 10 पी ए अपॉन, ये तो पी ए माइनस ऐसे ही मिल गया हमें, हम पहले लिख ले पी ए। अब माइनस वाले टर्म्स को ना हम सॉल्व करते हैं, राइट। तो देखिए ये टोटल प्रेशर है टाइम t पॉजिटिव है, माइनस के साथ आ गया तो क्या हो जाएगा, निगेटिव, हमें मिलेगा माइनस टोटल प्रेशर एट टाइम टी। वहीं पे अगर आप इस पी ए की बात करें तो ये नेगेटिव था और एक नेगेटिव और है, यानी कि ओवरऑल ये क्या हो जाएगा, ब्रैकेट से बाहर आने पर पॉजिटिव। ये बात समझ में आ गई, तो बस इसको लिख ले, अरेंज करें 2.303 अपॉन टी लॉग बेस 10 पी ए अपॉन, देखिए ये भी पी ए ये भी पी ए, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, इनको ऐड कर दे ये क्या बन जाएगा 2 पी ए, राइट। और ये यहाँ क्या बचा, माइनस टोटल प्रेशर एट टाइम टी, हो गया डेरिवेशन कंप्लीट, दिस इज द कंप्लीट डेरिवेशन। ये आसान होता है थोड़ा सा, क्योंकि इसमें आप चीज़ों को कंफ्यूज नहीं होते कौन सा टोटल प्रेशर है और कौन सा प्रेशर एट टाइम टी है। लेकिन
बुक में टोटल प्रेशर को ये टीपीटी ना लिख के वो क्या लिखता है, सिंपल सा पीटी लिखता है। ध्यान रहे, बुक पीटी को जो हम प्रेशर ऑफ द रिएक्टेंट एट टाइम टी लिखते हैं, वो उसी को उसी नोटेशन से यूज करता है। किसको रिप्रेजेंट करने के लिए? टोटल प्रेशर को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो आपके बुक में ये चीज ऐसे दिया हुआ मिलेगा आपको, 2.303 अपॉन टी लॉग बेस 10 पी ए अपॉन 2 PA माइनस, ये टोटल प्रेशर एट टाइम टी को ना सिर्फ पीटी लिखता है। तो बुक में आपको ये लिखा हुआ मिलेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप ऐसे डिराइव करेंगे तो भी आपको यहाँ मेंशन करना होगा, यहाँ पीटी क्या है, इट इज द प्रेशर ऑफ द ऑल रिएक्टेंट्स एंड द रिएक्शन एट टाइम टी। जितने भी रिएक्टेंट्स हैं और प्रोडक्ट्स हैं उन सबका टोटल प्रेशर है ये पीटी यहाँ पर बुक के हिसाब से। लेकिन हम अगर ऐसे लिख दें तो हमारा काम आसान होगा और हम कन्फ्यूज नहीं होंगे। फिलहाल हमने जो भी डिराइव किया हमें इसको कुछ रटना नहीं है, कुछ भी नहीं। जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो हमें बस एक चीज़ ध्यान रखना है कि हमें ऊपर क्या चाहिए, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट और अपॉन में क्या चाहिए, फाइनल कंसंट्रेशन या फिर प्रेशर एट टाइम टी चाहिए। अगर हम लिक्विड के इसकी बात करेंगे तो वहाँ पर कंसंट्रेशन डिफाइन करेंगे, और अगर हम गैसियस फेज की बात करेंगे तो वहाँ प्रेशर डिफाइन करेंगे। बस आपको कोई नया फॉर्मूला याद रखने की ज़रूरत नहीं है। देखिए ये है आपके बुक का लैंग्वेज, वहाँ पर ऐसा दिएगा आपको पीटी। तो देखिए पीटी वहाँ पर आपको क्या लिखना होगा, पीटी इज टोटल प्रेशर एट टाइम टी, राइट। लेकिन हमने टोटल प्रेशर एट टाइम टी को क्या लिखा था, टी पी टी। ये थोड़ा सा आसान होता है इसको गेस करना। और हम पी टी किसको कहते हैं, प्रेशर एट टाइम टी ऑफ द रिएक्टेंट। तो आपको जो सही लगे आप वो कर सकते हैं, इससे कोई इशू नहीं होगी। चलिए हमारे पास एक छोटा सा क्वेश्चन है, आइए हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट द रेट कॉन्स्टेंट, हमें के की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। रिएक्शन दिया गया है, दिस इज द रिएक्शन गिवेन। हम रिएक्शन लिख लेते हैं पहले, रिएक्शन इज गिवेन 2N2O5 गिव्स 2N2O4 प्लस O2, राइट। और क्या डेटा दिया गया है, सब गैसियस फेज में है, यानी कि हमें प्रेशर के टर्म्स में डिफाइन करना है। कुछ और डेटा दिया गया है, टी इक्वल टू 0 पे टोटल प्रेशर दिया है, इट इज गिवन दैट टी इज इक्वल टू 0 पे टोटल प्रेशर। तो हम बताइए इसको कैसे लिख लें। हाँ अच्छा होगा हम टोटल प्रेशर एट टाइम टी इज इक्वल टू 0 पे लिखें, कितना दिया है, दैट इज 0.5 atm। हमने यहाँ लिख लिया 0.5 atm, वहीं पे टोटल प्रेशर एट टाइम टी भी दिया है, दैट इज 0.6 atm। आप देख लें ये आपको डेटाज दी गई हैं, लिख सकते हैं। हाँ ऐसे लिखे रहेंगे ना तो आपको कन्फ्यूजन होने के चांसेस बिल्कुल कम रहेंगे। आइए अब हमने डिस्कस करना है। अब हम पहले ये बताएं कि इस रिएक्शन को देख के आपको क्या आइडिया लग रहा है, ये O2 है। हाँ इस रिएक्शन को आप देख के कह सकते हैं कि अगर 2 mol N2O5 डिसोसिएट होगा तो 2 mol N2O4 मिलेगा और वहीं 2 mol O2 भी मिलेगा। तो हमने मान लिया इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी, पी ए, जो कि किसके इक्वल है, चलिए अभी रहने दीजिए, पी ए है। इसको भी हमने मान लिया पी बी और इसको हमने मान लिया पी सी, कह सकते हैं ए बी सी के टर्म्स में। अब हमने माना दिस इज गोइंग टू डिकम्पोज माइनस, यहाँ पे कोफिशियंट है ना 2, तो हम 2 टाइम्स डिकम्पोज कराएंगे। तो कितना एक्स वाई जेड कोई वेरिएबल ले लेते हैं, हम मान लेते इस बार ए बी सी डी तो यूज ही कर रहे हैं ना, हाँ आप एक्स ही ले लें यहाँ पर। अगर हम एक्स लिखें तो 2x लिखना पड़ेगा क्योंकि 2 mol यहाँ से डिसोसिएट होगा, ठीक है। ये 2 mol डिसोसिएट होगा तो ये भी कितना बन रहा है, 2 mol, तो ये बनेगा 2x। ये कितना मोल बन रहा है, 1 mol, क्योंकि यहाँ कोफिशियंट 1 है तो ये बनेगा x। ये चीज़ आपको समझ में आ रही है, कर सकते हैं। चलिए ये तो रहा आपका इनिशियल कंसंट्रेशन पी ए और ये है प्रेशर एट टाइम टी। ध्यान रहे ये वैल्यू हम पी टी किसके लिए लिख रहे हैं, दिस इज द प्रेशर ऑफ द रिएक्टेंट एट टाइम टी। हाँ बुक अपना अलग लिखता है, बुक यहाँ पर टोटल प्रेशर को डिफाइन करता है।
चले। तो बस हमें टोटल प्रेशर वगैरह दिया गया है, इनसे कुछ रिलेशन बना ले। पहला हम लिखते हैं टोटल प्रेशर एट टाइम टी इक्वल टू जीरो पर पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी के इक्वल होगा, दैट इज गोइंग टू बी पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी, राइट। तो बताइए टोटल प्रेशर कितना दिया है टाइम टी इक्वल टू जीरो, 0.5 दिया है। पी ए हमें नहीं पता, हमें कैलकुलेट करना है। पी बी मुझे पता है जीरो होगा, पी सी भी मुझे पता है जीरो होगा, क्योंकि टाइम टी इक्वल टू जीरो पर अभी बी और सी बने ही नहीं है, यानी कि N2O4 और O2 अभी तो बने ही नहीं है, तो इनका प्रेशर हो ही नहीं सकता। तो हमें यहाँ से क्या मिल गया, एक छोटा सा रिलेशन मिल गया, दैट इज पी ए इज इक्वल टू 0.5 atm। हमें एक चीज़ तो मिल गया, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट ए। इसी तरह हमें क्या चाहिए, पी टी, और पी टी की वैल्यू यहाँ पर किसके इक्वल आएगी, देखिए ध्यान से, पी ए माइनस 2x के इक्वल आएगी। यानी कि मुझे एक चीज़ और कैलकुलेट करनी है, दैट इज पी ए माइनस 2x। पी ए तो मुझे पता है पहले से 0.5, 2 मुझे x चाहिए। जब x मिल जाएगा तो x की वैल्यू रखे हम पी टी पे कैलकुलेट कर लेंगे। तो आइए x के लिए मुझे क्या करना है, दूसरा रिलेशन यूज करते हैं। क्या दिया है, पी टी नहीं टोटल प्रेशर ना, टी पी एट टाइम टी, यहाँ मैंने पी टी, हाँ ठीक है टोटल प्रेशर है ना, कितना दिया जाता है 0.6 atm। और ये किसके सम के इक्वल होगा, टोटल प्रेशर टाइम टी पे देखिए, दिस प्लस दिस प्लस दिस, राइट। तो लिखिए इसको पी ए माइनस 2x प्लस 2x प्लस एक्स। आप इसे सॉल्व करते हैं, माइनस 2x प्लस 2x तो कैंसिल हो गए, क्या मिला यहाँ से, पी ए प्लस एक्स। यहाँ पर देखिए टोटल प्रेशर आपको दिया गया, दैट इज गिवन 0.6, तो आप इसको 0.6 लिख लें। अब बताएं पी ए, पी ए भी आपको पहले से पता है, दैट इज 0.5 प्लस एक्स। आप x की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करें, इसको इधर भेज दें, तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी 0.1 atm। आपको x की वैल्यू मिल गई ना, इस x की वैल्यू उठा के यहाँ रख दे, सो ये हो जाएगा 2 × 0.1। आप इसे सॉल्व करें तो पहले ये 0.5 माइनस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 0.2, और आप इसको सॉल्व करें ये कितना हो जाएगा 0.3। ये वैल्यू किसकी हो गई, आपकी पी टी की। पी टी क्या है, मैं बार बार कह रहा हूँ, आप बुक की लैंग्वेज फॉलो नहीं कर रहे हैं, आपके लिए पी टी क्या है, इट इज़ द प्रेशर ऑफ द रिएक्टेंट एट टाइम टी। हम टोटल प्रेशर को टी पी लिख रहे हैं, राइट। तो हमें पी ए और पी टी चाहिए था, हमें मिल गया, तो बस अब फॉर्मूला लगा लें आप, दैट इज के इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी। टाइम भी दिया है ना, कितना दिया देखिए, इट इज गिवन 230.3 seconds। तो आप टाइम की वैल्यू यहाँ रख लें, 230.3 seconds। लॉग बेस 10, हम पहले क्या लिखते हैं, पी नॉट अपॉन पी टी, इसको सॉल्व करेंगे। तो एक काम करते हैं, डेसिमल को हटाएं आप, तो नीचे कितने हो जाएंगे, मल्टीप्लाई बाई 1000, इस डेसिमल को हटाएंगे तो ऊपर हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई 10। हटाने के बाद ये नंबर और ये नंबर तो कैंसिल हो जाएगा, ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आपको मिलेगा 1/100, राइट। ये हो जाएगा लॉग बेस 10। अब पी नॉट, पी नॉट क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन, जो कि पी ए की इक्वल है, और वो वैल्यू कितना दिया है, दैट इज 0.5 अपॉन पी टी। पी टी कितना आया था, शायद 0.3 आया है, हाँ पी टी इज 0.3। आप देखें तो डेसिमल डेसिमल सब गायब हो जाएगा, आपको मिलेगा 1/100 लॉग बेस 10 5/3। अब देखिए ये क्या दिख रहा है आपको, लॉग एम बाई एन दिख रहा है क्या, लॉग एम बाई एन को हम क्या लिख सकते हैं, लॉग एम माइनस लॉग एन, तो आप इसको लिख लें लॉग बेस 10 5 माइनस लॉग प्रॉपर्टी लगा के बेस 10 3 लिख सकते हैं। तो देखिए इसके बाद अब आप सॉल्व कर दें, ये हो जाएगा 1/100 लॉग 5 की वैल्यू होती है 0.69, जो कि हम नियरली 0.7 लेके चलते हैं, ठीक है। अगर हम 0.7 ले लें तो माइनस लॉग 3 इज 0.47, आप इस वैल्यू को रख दें, आप इसको सॉल्व करें देखिए आपको क्या मिलेगा, दैट इज गोइंग टू बी 1/100 × 0.7
माइनस 0.47 कितना होगा 23। हाँ आई थिंक 0.23। आप इस 100 को ऊपर लेके जाएं तो देखिए क्या लिख सकते हैं आप, 0.23 इंटू 10 to the power -2। और आप इसको थोड़ा साइंटिफिक नोटेशन बनाने की कोशिश करें तो ये हो जाएगा 2.3 इंटू 10 to the power -3। हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, दैट इज के, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए आप के कैलकुलेट कर रहे हैं तो यूनिट क्या आएगी, दैट इज, हाँ यूनिट टाइम में आएगा ना, दैट इज सेकेंड इनवर्स। टाइम सेकेंड में दिया था ना, देख ले एक बार, हाँ टाइम सेकेंड में दिया है तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, दैट इज 2.3 इंटू 10 to the power -3 सेकेंड इनवर्स। क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमारी यूनिट क्या होती है, सिर्फ आवर इनवर्स, मिनट इनवर्स या सेकेंड इनवर्स ही होती है। तो बस इस तरह से आपका आंसर आ गया, आप एक बार आंसर चेक कर लें। देखिए आपका आंसर आएगा 2.3 इंटू 10 to the power -3 सेकेंड इनवर्स। तो बस आप इस तरह से इसको कर सकते हैं। ध्यान रहे आपको फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है, उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आपको लिक्विड्स फेज के लिए सॉल्व करने आता है कंसंट्रेशन के टर्म्स में, अब सेम चीज़ को रेप्लिकेट करें कहाँ, प्रेशर के टर्म्स में आपको सेम चीज़ मिल जाएगी। आपको नया कोई फॉर्मूला रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फॉर्मूला जब आप रेप्लिकेट करेंगे तो आपसे गलती होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हाँ तो आप उसको अवॉइड करें और आप इन चीज़ों से थोड़ा सा बचे रहें। ये आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क है, इसकी आंसर आएगी 4.98 इंटू 10 to the power -4 सेकेंड इनवर्स। अच्छा इससे याद आया मुझे, मैंने आपको पिछले लेक्चर में एक होमवर्क दिया हुआ है, एक्चुअली अभी तो मैं आपको दिखा नहीं सकता। पिछले लेक्चर का फर्स्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन आप यूँ समझ लें कि पिछले लेक्चर का फर्स्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन का आंसर आई थिंक 3.125 करके कुछ दिया गया है, वो वैल्यू गलत है, वहाँ पे आएगा दैट इज 6.25 इंटू 10 to the power -2 राइट। हाँ कंसंट्रेशन नहीं कैलकुलेट करना था मोलर राइट, तो आपकी ये वैल्यू आनी चाहिए, तो आप उसको एक बार देख लें। वो आंसर सही है, वो आंसर तब आएगा जब आपकी ए नॉट की वैल्यू जो हम 4 मोलर दिए हैं वहाँ पर 2 मोलर होगा, या तो फिर आप अपने क्वेश्चन के आंसर को सही कर लेंगे, या तो फिर उस क्वेश्चन को ही सही कर लेंगे। वहाँ पर जो हमने ए नॉट की वैल्यू 4 मोलर दे दी है, आप उस ए नॉट को वैल्यू बस क्या कर लीजिएगा 2 मोलर आप उसको कर लेंगे तो आपको आपकी वैल्यू मिल जाएगी। तो ये छोटा सा करेक्शन है, आप पिछले लेक्चर में देख लीजिएगा, आपको इसमें हिंट दिया गया है, आपको ये लॉग की वैल्यू दी गई है, तो आप इसलिए परेशान नहीं होंगे। जैसे ये चीज़ मिलेगी आप डायरेक्ट इस वैल्यू को यूज कर लेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा, कर सकते हैं। चलिए अब थोड़ा सा हम आपको रिवीजन करा दें। अब तक आपने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करना सीख लिया था राइट, तो मेरे हिसाब से आप इस वैल्यूज और एक्सपेरिमेंटल डेटा को देखते हुए, इस रिएक्शन को देखते हुए आप मुझे क्या इसकी ऑर्डर बता सकते हैं, हाँ बता सकते हैं या नहीं। इसमें कहीं ये मेंशन नहीं है कि जो रिएक्शन है वो एलिमेंट्री है या कॉम्प्लेक्स है, इसका मतलब हम इसको एलिमेंट्री मान के सॉल्व नहीं कर सकते और हम इसके कोफिशेंट को ही ऑर्डर नहीं बना सकते। एक बात क्लियर हो गई, तो मुझे एक्सपेरिमेंटल डेटा से ही कैलकुलेट करना होगा। तो आप एक बार ट्राई करें, मैंने आपको ओरल करना सिखाया था, मैंने कहा था वेरिएशन देख के बता सकते हैं कि इसकी ऑर्डर क्या होगी, तो एक बार ट्राई करें, आप वीडियो पॉज करके ट्राई कर लिया होगा आपने, आइए हम डिस्कस करते हैं। अब अगर पहले मैं इसकी लिए रेट डिफाइन करूँ तो मैं क्या लिखूँगा, रेट लॉ, यानी कि रेट इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर एक्स एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी टू द पावर वाई। हमें सिर्फ एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि एक्स और वाई मिल गया तो ऑर्डर हम निकाल लेंगे एक्स प्लस वाई करके राइट। तो देखिए पहले हम ए के लिए देखते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे तो ए तो सेम है, तो ए को इग्नोर करें। अब बी को देखें 0.5 और 1, और इसको देखें। अब मुझे ये बताइए 0.5 से 1 आने के लिए कितने टाइम्स का चेंज हुआ होगा, डबल, यानी कि 2 टाइम्स हुआ है। वहीं आप यहाँ देखें 1.6 से 3.2 आने के लिए भी ये भी क्या हुआ है, डबल हुआ है। आप बताएं कि अगर
मैं रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को डबल करूं और रेट भी डबल हो जाए तो ये किस ऑर्डर की रिएक्शन होगी? यस, दैट इज ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। यानी कि आपको यहां से क्या मिल गया, ये बी है ना, y की वैल्यू मिल गई, दैट इज 1। इसी तरह अब हम किसके लिए कैलकुलेट करने जा रहे हैं, a के लिए। देखिए अब ये वाला पार्ट सेम है तो इनको हम ले लें। तो देखिए यहां से यहां आने के लिए क्या हो गया, डबल, 0.5 से 1 होने के लिए डबल हुआ। आप रेट पे देखिए, यहां से यहां आने में रेट क्या है, कांस्टेंट है। देखिए रेट में चेंज हुआ ही नहीं। आप बताएं किस ऑर्डर के रिएक्शन में रेट कांस्टेंट रहती है? हाँ, दैट इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन, क्योंकि वो रेट पे डिपेंड ही नहीं करती। वो जो रेट होती है जीरो ऑर्डर की जो रिएक्शन होती है वो रेट पे डिपेंड नहीं करती है। तो देखिए यहां से आपको क्या पता चल गया कि दिस इज शोइंग जीरो ऑर्डर रिएक्शन। क्यों? क्योंकि सिर्फ जीरो ऑर्डर की ही ऐसी रिएक्शंस होती हैं जिसमें कि उसकी रेट कंसंट्रेशन पे बिल्कुल डिपेंड नहीं करती। आपने देखिए कंसंट्रेशन को डबल किया फिर भी रेट पे कोई इफेक्ट नहीं आया। इसका मतलब इसकी ऑर्डर एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, जीरो। अब देखिए टोटल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या होगा, एक्स प्लस वाई यानी जीरो प्लस वन यानी कि 1। ये कंप्लीट रिएक्शन का ऑर्डर अगर हमसे पूछा जाए तो हमारी आंसर क्या आएगी, 1। ये सब हमने पहले करना सीख लिया है। सो ये इसका आंसर है, आप देख लें। नेक्स्ट देखिए ग्राफिकल मेथड। हम ग्राफ्स की हेल्प से भी ऑर्डर को डिटरमाइन कर सकते हैं। हाँ, ग्राफ के नेचर से हम डिसाइड करके बता सकते हैं कि हमारा ये जो ग्राफ है वो ग्राफ किस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को डिनोट कर रहा होगा। तो ये तो हमें आपको सारा होमवर्क ही देना है। हाँ, सारा आप ही को होमवर्क देना है। फिलहाल देखिए मैं एक दो करा देता हूँ आपको। चलिए हम इसको सेकेंड वाले को डिस्कस कर लेते हैं। सेकेंड वाला थोड़ा सा वो परेशान कर सकता है तो आइए हम सेकेंड वाला डिस्कस करते हैं। दैट इज रेट एंड कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट के बीच का ग्राफ है। दैट इज रेट एंड कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट के बीच का ग्राफ है। हम रिएक्टेंट को किस में लिखते हैं, ए में। तो आप चाहे ए के टर्म्स में डिफाइन कर ले चाहे आर के टर्म्स में, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखिए हमें क्या दिया है, पहले आप ग्राफ का नेचर देखें। ये ग्राफ का नेचर किसका है, y इजक्ल टू के एक्स स्क्वायर। हाँ, ये ग्राफ का नेचर किसका है, y इजक्ल टू के एक्स स्क्वायर, एक्सपोनेंशियल ग्राफ, सॉरी y इजक्ल टू के एक्स स्क्वायर, दैट इज पैराबोला। ये पैराबोला का ग्राफ है। तो आप पहले नेचर लिख लें और आप देखिए इसको रेप्लीकेट करना चले। y की जगह पे क्या है आपका, रेट। तो आप यहाँ पर रेट लिख लें, k कॉन्स्टेंट है उसको ऐसे रहने दें। x की जगह पे देखिए कहाँ गया, x की जगह पे क्या है आपका, अंडर रूट आर। आप इस वैल्यू को उठा के यहाँ रख दें, x की जगह पे आएगा आपका अंडर रूट आर, ऊपर क्या है स्क्वायर, क्योंकि x की जगह पे आपने ये रखा ना स्क्वायर, अभी बचा था स्क्वायर आपने रख दिया। आपको यहाँ से क्या मिलेगा, रेट इज इक्वल टू k, ये स्क्वायर और अंडर रूट एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, क्या मिल जाएगा, k इंटू आर। आप देख के बताएं यहाँ पर पावर कितना हो सकता है, 1 हो सकता है जो कि छिपा हुआ है, यानी कि इसकी ऑर्डर क्या है, फर्स्ट है। तो ये रिएक्शन क्या है, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है। दैट सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए देखिए एक बार फिर से लाइट चली गई। तो फाइनली मैंने ये डिसाइड किया है कि अब आपको थोड़ा कोऑपरेट करना होगा, सिलेबस हमारा काफ़ी ज़्यादा है तो हम वीडियो को अब घर पर बनाएंगे। हाँ, बोर्ड पर नहीं बनाएंगे क्योंकि मैंने देखा बोर्ड पर बनाने के बाद आवाज़ एकदम क्लियर नहीं आ रही है। तो बोर्ड पर नहीं बनाएंगे, ऐसे पेन टैब वगैरह की हेल्प से या फिर ऐसे नॉर्मली हम कॉपी वगैरह पे बताएंगे। तो अभी कुछ दिन आपको कोऑपरेट करना होगा, आपकी रिकॉर्डिंग वहाँ चल रही, वहाँ से रिकॉर्डिंग आपको लगातार मिलती रहेगी। तो बस इस चैप्टर तक यहाँ पर आप एडजस्ट कर ले, उसके बाद जैसे हम ऑर्गेनिक स्टार्ट करेंगे, रिकॉर्डिंग्स आपके स्टार्ट चल रही हैं तो आपको लगातार मिलती रहेंगी, तो आप उसके लिए परेशान ना हो। हाँ, ऑर्गेनिक में थोड़ी बहुत आपको दिक्कतें होंगी क्योंकि हम इतने डिटेल्स में आपको वहाँ पे नहीं सिखाएंगे, नोट्स आपको खुद से बनाना होगा। हम सिर्फ आपको एक्सप्लेन करेंगे, नोट्स आपको खुद से बनाना होगा। अब
क्योंकि हम आपको इतना एक्सप्लेन में नहीं पढ़ा सकते, इतना अगर पढ़ाएंगे तो फिर सिलेबस खत्म नहीं होगा और बोर्ड आपका बहुत जल्दी होना है तो इतना टाइम नहीं बचा है। तो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को वहाँ से जब हम अपलोड करेंगे वहीं से आप कंप्लीट करेंगे और ये लाइट किस सिस्टम से हम छुटकारा मिल जाए, इसीलिए ये चीज़ ऐसा किया गया है। आवाज़ आपको बिल्कुल ख़राब देखने को मिल सकती है, रीज़न है कि यहाँ पर माइक वगैरह सब कुछ यूज करते हैं, वहाँ घर पर नहीं है, हम यूज नहीं कर पाएंगे। ये चीज़ हम यहीं छोड़ के जाएंगे क्योंकि मुझे क्लास 11th 9th 10th और बाकी क्लासेस की जो रिकॉर्डिंग हम यहीं आके करेंगे, सिर्फ आपकी रिकॉर्डिंग घर से होगी ताकि आपको लगातार क्लासेस मिलती रहे और सिलेबस टाइम से अपडेट हो जाए। तो आपको जैसे जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम आगे बढ़ाते जाएंगे आपको चीज़ों को समझना होगा और थोड़ा थोड़ा याद रखना होगा, ठीक है? तो अभी वेट करते हैं। देखिए तो ये तो हो गया, आपको समझ में भी आ गया होगा कैसे करना है। नेक्स्ट मुझे एक और बताने की ज़रूरत है कि अब आपको दे दें, हम आप खुद से कर लेंगे, खुद से करेंगे। चलिए तो ये आपके होमवर्क हैं, सारे ग्राफ्स आपको देखने ध्यान से, सारा ग्राफ रेट और रिएक्टेंट के बीच का ही नहीं है, कुछ ग्राफ्स आपको अलग भी देखने को मिल सकते हैं। जैसे ये ग्राफ देखिए, कंसंट्रेशन एट टाइम टी और टी के बीच का ग्राफ है, ये ग्राफ भी उसी बेस पे है। तो आप इन दोनों ग्राफ्स में भी हम आपको एक बता देते हैं कोई, चलिए कौन से बताएं, फर्स्ट या सेकंड? अब कोई भी देख लें, अगर आप सेकंड देखना चाहें तो भी देख लें। ये ग्राफ किसके बेस का ग्राफ है? हाँ, ये ग्राफ एक्सपोनेंशियल ग्राफ हो सकता था, ऊपर की तरफ जाता था पॉजिटिव वाली, लेकिन अभी क्या एक्सपोनेंशियल ग्राफ है लेकिन कहाँ जा रही है, वो नीचे, तो वो तो नीचे जाना ही है क्योंकि रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन लगातार कम होती है। तो एक्सपोनेंशियल ग्राफ किस में मिलता था हमें? हाँ, एटी के किस ऑर्डर के रिएक्शंस में हमें ई के पावर एक्स की टर्म्स मिलते थे नेगेटिव में? हाँ, एटी इक्वल टू ए नॉट ई टू द पावर माइनस के टी, ये वैल्यू किस में मिलता था हमें फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो ये ग्राफ किसकी है? हमारी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की है। इसी तरह आप ये देख लेंगे, ये स्ट्रेट लाइन मिल रहा है तो इसको भी कर लेंगे, ये सब सिंपल। अभी हम बताने लगे तो सारा तो यहीं हो जाएगा, तो फिर आपकी प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी। तो आप इसको देख लें, आराम से कर लें। इसके साथ साथ दो क्वेश्चन और है आपके पास, एक ये आपको दिख रहा होगा और ये आपके लिए दूसरा। कुल 9 ग्राफ्स हैं, 9 ग्राफ आप आराम से अटेम्प्ट करेंगे, हो जाएगा। ये ग्राफ्स देख लेंगे टी 50% वाली ग्राफ हैं। हाँ, जो जो टर्म्स दिया गया है उससे रिलेटेड वाली इक्वेशंस आप लिखेंगे और फिर आप चेक करेंगे ये जीरो ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर या फिर सेकेंड ऑर्डर। जो टी 50% हैं या फिर टी कम्प्लीशन की ग्राफ होंगी या फिर 80 वाली ग्राफ्स होंगी, ये ग्राफ सेकेंड ऑर्डर की आपको नहीं दी गई होंगी। क्यों नहीं दी गई होंगी? क्योंकि अभी सेकेंड ऑर्डर आपको सिखाया नहीं गया, सिर्फ वहाँ पर जीरो या तो फर्स्ट, यही दोनों में से कोई मिलेंगी। लेकिन हाँ, जो नॉर्मल ग्राफ्स होती हैं वहाँ पे आपको ये चीज़ देखने को मिल सकती है। चलिए नेक्स्ट, काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा कोलिजन थ्योरी। इसके बारे में बिल्कुल बेसिक आइडिया हमने आपको पहले ही दे दिया था, हाँ मुझे ज़रूरत थी। तो वहाँ पे हमने क्या सीखा था, कोलिजन थ्योरी क्या कहती है? कोलिजन थ्योरी बस इतनी सी बात कहती है कि अगर कोई भी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का बनना है तो रिएक्टेंट्स की स्पीसीज, चाहे वो एटम्स हो या मॉलिक्यूल्स हो, उनको आपस में कोलाइड करना पड़ेगा। जब तक कोलिजन नहीं होगा प्रोडक्ट बनने का बिल्कुल चांस नहीं है और प्रोडक्ट नहीं बनेगा। हमने वहाँ पर एक चीज़ और आपको सिखाई थी कि जनरली ऐसे प्रोडक्ट जिनकी मॉलिकुलरिटी 3+ होती है वो रेयरली अब्जॉर्ब होते हैं, न के बराबर। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने देखा था जब 3 से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स और एटम्स को आपस में टकराना हो तो उनके टकराने की जो एफिशिएंसी होनी चाहिए वो लगातार कम होती जाती है। जैसे जैसे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ाते हैं वो कोलिजन होने के चांसेस उतना कम होता जाता है, इसीलिए फिर रिएक्शन भी नहीं हो पाती। तो सिंपल शब्दों में कहें तो आपको बस इतनी सी बात याद रखनी है कि अगर कोई रिएक्शन होती है तो इसका मतलब जो रिएक्टेंट्स हैं वो रिएक्टेंट्स के स्पीसीज, चाहे वो एटम्स हो या मॉलिक्यूल्स, आपस में टकरा रहे होंगे, तभी चांसेस बनते, ध्यान रहे, तभी चांसेस बनते हैं कि रिएक्शन होगी। इसका मतलब अभी भी कुछ डाउट्स है? बिल्कुल। इसके साथ साथ दो और कंडीशंस होती हैं, एक होता है एनर्जी बैरियर, दूसरा होता है ओरिएंटेशन बैरियर, कि अब कितनी एनर्जी होनी चाहिए टकराने के बाद रिएक्टेंट के पास,
तब वो जाके ओरिएंटेशन पे आएंगी। फिर देखना होगा कि क्या वो ओरिएंटेशन के अराउंड जाने पे खुद को सेटिस्फाई कर पाएंगी या नहीं। यानी कि मुझे और भी दो फैक्टर्स हैं आपको साफ शब्दों में याद रखना है कि कोई भी रिएक्टेंट्स कंबाइन होकर रिएक्शन या प्रोडक्ट बनाएंगे या नहीं, ये इस बात पर डिपेंड करेंगी कि वो दो फैक्टर जो है, दो हमने एक उनके लिए क्राइटेरिया डिसाइड कर रखा है, वो दोनों को क्वालिफाई कर पाते हैं या नहीं। पहला होगा एनर्जी बैरियर, दूसरा होगा ओरिएंटेशन बैरियर। बहुत सिंपल सा होता है। एनर्जी बैरियर का मतलब एक लिमिट अमाउंट होनी चाहिए उनके पास एनर्जी, उससे कम है तो पॉसिबल नहीं है, उससे ज़्यादा है तो ठीक है, उतना भी है तो भी ठीक है, तो आप फर्स्ट स्टेप क्रॉस कर जाएंगे। सेकेंड स्टेप में हो सकता है आप जिसका अटैक कराना चाहते हैं, यानी कि जिसका रिएक्शन कराना चाहते हैं वो नेगेटिव स्पीसी हो, और जिसके साथ रिएक्शन कराना चाहते हैं वो सेंटर में प्लस हो, उसके चारों तरफ क्या हो, प्लस माइनस हो। तो आप किधर से लेके जाएंगे? क्या अगर आप माइनस की तरफ से लेके जाना चाहें तो कभी रिएक्शन होगी? नहीं होगी, क्योंकि पहले ही रिएक्शन में जो आपको माइनस दिख रहा है और आपका माइनस, दोनों आपस में रिपल्सन करने लगे और एक दूसरे के पास आने ही नहीं देंगे। तो आपको अपने स्पीसी को घुमा के जिधर प्लस वाले होंगे उस साइड से लेके जाना होगा, ताकि आपको हिंड्रेंस कम मिले, जिसको हम स्टेरिक इफेक्ट कहते हैं। तो वो चीज़ों को कम करने के लिए अभी हम डिटेल्स में सीखेंगे, हम आपको एक सिंपल सा ओवरव्यू दे रहे हैं, एक चीज़। दूसरी चीज़ क्या होता है, अभी मैच माइंड में आता है कि अगर कोलिजन हो गई तो वहाँ पे हमारा प्रोडक्ट बनेगा, ऐसा कहना गलत है। बन सकता है ये कहना सही है, क्योंकि कोलिजन भी कई टाइप की होंगी। अब कुछ कोलिजन्स ऐसी होंगी जो काम की होंगी, कुछ कोलिजन्स ऐसी होंगी जो काम की नहीं होंगी। जैसे हम कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं, इसका मतलब ये तो नहीं कि हमारा सिलेक्शन होगा, बिल्कुल नहीं। हम कंपटीशन में फाइट करने के बाद क्या इतना स्कोर कर पाते हैं कि हम क्वालिफाइड माने जाए? हाँ, दिस इज द पॉइंट। तो जरूरी नहीं कि हर कोलिजन होने वाले में से हर कोलिजन आपका आगे की तरफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेगा, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। उसमें दो टाइप के कोलिजन होंगे, कुछ इफेक्टिव कोलिजन्स होते हैं, कुछ इनइफेक्टिव। इनइफेक्टिव का मतलब जो फेल हो गए हैं, अब उनका कोई काम नहीं है, उनको काउंट ही नहीं करना हमें। जो बचेंगे पास वाले, यानी कि जो इफेक्टिव हैं, वो अगले स्टेप की तरफ आगे जाएंगे, फिर वहाँ भी उनको पास करना होगा, तब जाके उनको कहीं सिलेक्शन मिलता है, यानी कि तब जाके प्रोडक्ट फॉर्मेशन होती है। आइए डिटेल में अभी डिस्कस करते हैं। पहले तो आप नाम जान लें कि इस कोलिजन थ्योरी को किसने दिया था। दिस कोलिजन थ्योरी वॉज गिवन बाई मैक्स स्ट्रॉज एंड विलियम लुविस, दो पॉपुलर साइंटिस्ट हुआ करते थे, मैक्स स्ट्रॉज और विलियम लुविस, उन्होंने ही मिलकर इस कोलिजन थ्योरी को दिया है। हाँ, इस कोलिजन थ्योरी के एक ड्रॉबैक भी है, इस ड्रॉबैक पे हमें बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं करना है। क्यों नहीं करना है वो हम इसलिए नहीं करते ना, क्योंकि ये ड्रॉबैक हमें आराम से काफ़ी डिटेल्स में सिखाया जाएगा, कहाँ, हमारे हायर क्लासेस में। बट फिर भी आप जान लें, ड्रॉबैक हम सिखाएं, उससे पहले इनके कुछ आपको एजम्पशन बता दें कि इन्होंने क्या चीज़ें मान के चली थी। इन्होंने दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मान के चली थी। पहला, इन्होंने कहा इट इज़ बेस्ड ऑन काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। हमने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस आपको गैसेस स्टेट में पढ़ा रखा है, ये उसको फॉलो करता है, एक बात। या फिर काइनेटिक थ्योरी ऑफ द गैसेस आप रिसेंटली पढ़ेंगे किसमें, फिजिक्स में, तो आपको काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को ये फॉलो करता है, बस इतना समझ लीजिए, पहली। दूसरी चीज़, इन्होंने मान के चला, और ये चीज़ हमने भी वहाँ भी मानी थी, कि जो हमारे एटम हैं हमको किस नेचर का माने चलते हैं, स्फेरिकल माने थे ना। तो इन्होंने भी कहा द कोलिजन थ्योरी एज्यूम्स मॉलिक्यूल्स टू बी हार्ड रिजिड स्फेयर। उन्होंने कहा कि जो एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स जिनका कोलिजन कराना है हमें, वो हार्ड होंगे, यानी कि वो ऐसे नहीं कि टकराने के बाद टूट जाए, वो हार्ड होंगे, रिजिड यानी कि आप उसको पकड़ के से दबाने की कोशिश करें तो यानी कि उनका सेप बदल जाए। जैसे कि प्लास्टिक की कोई चीज़ ले ले आप, मेरे पास तो अभी फ़िलहाल ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसको मैं आपको करके दिखा सकूं, राइट? नहीं, ये नहीं होगा, ये भी हार्ड है। तो देखिए, रिजिड वो चीज़ें होती है जो सॉलिड है, जैसे कि आप ये ले लें, आप इसको चाहे जितने दबाने की कोशिश करें, इसकी शेप साइज में कोई चेंज नहीं आएगा। जबकि अगर आप बलून ले लें, आप उसको दबाएं तो उसकी शेप वगैरह बदलने लगती है, जहाँ दबाएंगे वहाँ पर गड्ढा बनने लगता है, राइट? तो वो रिजिड नहीं है। रिजिड का मतलब वो चीज़ जिसकी शेप चेंज ना हो, चाहे जितनी फोर्स लगा दें आप। तो उन्होंने कहा कि ये जो मॉलिक्यूल्स या एटम्स हैं, ये हार्ड होते हैं और रिजिड स्फीयर्स होते हैं। तो एक बात है, अगर हार्ड हैं यानी कि कुछ ना कुछ स्पेस कवर कर रहे होंगे, तो वो स्पेस जो कवर किए हैं, या तो हम उसकी एरिया ले लें या तो उसकी वॉल्यूम, कुछ ना कुछ होगा ही, क्योंकि वो अगर हार्ड है तो जगह कवर करेंगे तो उसे कुछ ना कुछ वॉल्यूम या एरिया होगी, तो उसको कंसीडर किया जाना चाहिए। लेकिन कोलिजन थ्योरी उसको कंसीडर नहीं करती, वो उसको इग्नोर कर देती है। तो यही इसकी ड्रॉबैक है।
इन्होंने कहा कि मॉलिक्यूल्स हमारे रिजिड और हार्ड स्फीयर है। अगर हैं तो आपको उनकी स्ट्रक्चर को कंसीडर करना चाहिए, जबकि ये लोग कंसीडर नहीं किए। यानी कि पहले तो कहते वो हार्ड है, फिर वो अपनी प्रॉपर्टी से थोड़ा सा अलग हो जाते हैं, क्योंकि वो इस थ्योरी में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। बात समझ में आ गई? तो यही इसकी एक ड्रॉबैक है कि अगर आपने माना है कि आपका मॉलिक्यूल हार्ड रिजिड स्फीयर है, तो उसकी स्ट्रक्चर, उसकी एरिया, उसकी वॉल्यूम भी कंसिडर की जानी चाहिए थी, लेकिन नहीं की गई। दिस इज द ओनली ड्रॉबैक। लेकिन फिर भी हम इसको क्यों पढ़ते हैं? बिकॉज इट हैज़ द एबिलिटी टू एक्सप्लेन सो मेनी कॉन्सेप्ट्स ऑफ द कोलिजन थ्योरी। कोलिजन थ्योरी से रिलेटेड जितने भी एक कॉन्सेप्ट्स बने हैं, जितने भी रिएक्शंस हो रही हैं, मैक्सिमम रिएक्शंस को एक्सप्लेन करने में दिस इज वेरी सक्सेसफुल। तो इसलिए हम इसको पढ़ते हैं एक ड्रॉबैक के बाद। उस ड्रॉबैक को भी सुधारा गया, इंप्रूवमेंट कराएगी, वो सब कुछ हम कहाँ पढ़ते हैं? अपने हायर क्लासेस में। तो आपको एक छोटा सा ड्रॉबैक है, आप चाहें तो अपने लैंग्वेज में कहीं लिख लेंगे, जैसे ये टॉप रीजन आपका खाली होगा तो आप यहाँ कहीं लिख लेंगे। हाँ, ताकि आपके माइंड में, जब आप पन्ने को टर्न करें तो एक बार आपको माइंड में आ जाए। या तो फिर आप इसको, एक तरीका और है, आप ये जो टर्म है जिसमें कि हमारा पूरा है, इसकी प्रॉब्लम ड्रॉबैक टिकी हुई, आप उसी को अच्छे से अंडरलाइन कर दें, ताकि जब आप पेज को रिवाइज करें तो आपके माइंड में तुरंत ये क्लिक कर जाए कि हाँ, यहाँ पर यही प्रॉब्लम थी। नेक्स्ट देखिए, अकॉर्डिंग टू कोलिजन थियरी इन ऑर्डर टू फॉर्म प्रोडक्ट्स, अगर हम कोलिजन थियरी की बात माने तो ये कहते हैं कि अगर प्रोडक्ट को बनाना है देन द रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल मस्ट कोलाइड विथ ईच अदर। तो जितने भी रिएक्टेंट स्पीसीज हैं, चाहे वो मॉलिक्यूल्स हों या एटम्स, जनरली ये मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं, हम ये मॉलिक्यूल्स ही बोल लेते हैं, तो जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको आपस में कोलाइड करना होगा। लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं कि हर कोलिजन आपको प्रोडक्ट फॉर्मेशन में हेल्प करेगा। कुछ ऐसे भी कोलिजन होंगे जो कि आपके प्रोडक्ट फॉर्मेशन में आपकी हेल्प करेंगे, और कुछ ऐसे भी होंगे जो बिल्कुल सपोर्ट नहीं करेंगे, उनको हम इनइफेक्टिव कोलिजन बोलते हैं, जिनको हम बाहर कर देंगे, उनसे कोई मतलब नहीं होगा। और जो हमारे सपोर्ट में होते हैं, जिससे कि हमारे प्रोडक्ट बनने में हेल्प होता है, उसको हम बोलते हैं इफेक्टिव कोलिजन्स। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पॉइंट यही लिखा है, देखिए, नॉट ऑल कोलिजन्स रिजल्ट इन द प्रोडक्ट फॉर्मेशन। जरूरी नहीं कि जितना कोलिजन हो रहा है सबके सब प्रोडक्ट फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करें, बिल्कुल नहीं। ओनली अ फ्यू कोलिजन्स रिजल्ट इन द प्रोडक्ट फॉर्मेशन एंड आर नोन एज इफेक्टिव कोलिजन्स। सिर्फ कुछ ही कोलिजन्स हैं जो कि आपके प्रोडक्ट फॉर्मेशन के प्रोसीड देते हैं, आपको आगे लेके जाते हैं, रिएक्शन को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, और उन कोलिजन्स को हम इफेक्टिव कोलिजन्स कहते हैं। इफेक्टिव कोलिजन्स वो कोलिजन्स हैं जो कि आपके रिएक्शन को आगे बढ़ाने में सपोर्ट करते हैं, जबकि कुछ ऐसे भी कोलिजन्स होते हैं जो कि बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते, दे आर इनइफेक्टिव कोलिजन्स। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप चाहते हैं इसको डबल स्टार मार्क दे दे, फॉर ए कोलिजन टू बी इफेक्टिव, किसी भी कोलिजन को इफेक्टिव होने के लिए टू बैरियर्स हैज टू बी क्रॉस्ड। यानी कि प्रोडक्ट बनने के लिए दो बैरियर है, यानी कि दो हमने क्राइटेरिया डिसाइड किया है, जब वो दोनों क्राइटेरिया पास करेगा तभी उसको हम सक्सेसफुल मान सकते हैं। जस्ट लाइक आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे जो कि इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना चाहते हो, राइट, IITs वगैरह में, तो क्या करना होगा? पहले आप पार्टिसिपेट करेंगे, तो आप JEE मेंस के लिए अप्लाई करते हैं, राइट। जब आप JEE मेंस क्वालिफाई करेंगे तो फिर आपको एक एग्ज़ाम देना होगा JEE एडवांस्ड। जब JEE एडवांस क्वालिफाई करेंगे तब जाकर आपको IITs वगैरह में एडमिशन मिलती हैं, राइट। यानी कि एक दो स्टेप है, पहला JEE मेन, दूसरा JEE एडवांस। जब आप दोनों को क्रॉस करेंगे तब जाके आपका सिलेक्शन होगा, आपको टारगेट अचीव होता है। वैसे ही है, पहले एनर्जी बैरियर क्रॉस किया जाएगा, उसके बावजूद भी जरूरी नहीं कि आपका काम हो जाए, एनर्जी बैरियर के साथ साथ ओरिएंटेशन बैरियर भी आपको क्रॉस करना होगा, और जब आप ये दोनों बैरियर क्रॉस कर जाएंगे तब जाके आपका प्रोडक्ट फॉर्मेशन कंप्लीट होता है, यानी कि रिएक्शन पूरी कंप्लीट होने लगेगी। अब ये क्या होते हैं, एनर्जी बैरियर, ओरिएंटेशन बैरियर, मैंने थोड़ा सा आइडिया दे दिया है, अभी हम डिटेल से इसको और भी सिखाएंगे, तो आप इसके लिए परेशान ना हो। नेक्स्ट देखिए क्या दिया है, द नंबर ऑफ कोलिजन्स पर सेकेंड पर यूनिट वॉल्यूम। हाँ, अभी देखिए फ्रीक्वेंसी क्या होती है, नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड, किसी भी एक सेकेंड में कोई भी चीज कितनी बार रिपीट होती है, दैट इज नोन एज फ्रीक्वेंसी, यही होती है ना। अब हम अगर कहें फ्रीक्वेंसी कोलिजन या कोलिजन फ्रीक्वेंसी, तो हम क्या कहेंगे कि कितनी कोलिजन्स हुई किसी फिक्स्ड यूनिट वॉल्यूम में
कितनी कोलिजन्स हो गई एक सेकेंड में, दैट इज नोन एज कोलिजन फ्रिक्वेंसी। क्योंकि हम कोलिजन का डिफाइन कर रहे हैं तो कोलिजन के टर्म्स उसमें इंट्रोड्यूस करेंगे। क्या कहेंगे हम? द नंबर ऑफ कोलिजन्स पर सेकेंड पर यूनिट वॉल्यूम। किसी भी एक लीटर ले ले या एक मीटर क्यूब ले ले या एक सेंटीमीटर क्यूब ले ले, तो इस वॉल्यूम में एक सेकेंड में जितनी भी कोलिजन्स होंगी, ध्यान रहे हमने इफेक्टिव कोलिजन कहीं नहीं कहा, मैंने कहा सिर्फ कोलिजन्स, जितनी भी कोलिजन्स होंगी चाहे वो इफेक्टिव हो या इनइफेक्टिव हो, तो उनका जो टोटल नंबर आएगा दैट इज नोन एज कोलिजन फ्रीक्वेंसी। कर सकते हैं, एक छोटा सा टर्म था जो कि जिसके सिग्निफिकेंस आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, अनदर फैक्टर दैट अफेक्ट्स द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज एक्टिवेशन एनर्जी। एक और ही बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जिसको हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। हाँ, किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए हमें कुछ एनर्जी देनी होगी, उस एनर्जी को हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। ये एक एक्स्ट्रा एनर्जी होती है, जस्ट लाइक कभी कभार आपने देखा होगा जब गाड़ियाँ थोड़ी सी खराब हो जाती हैं तो धक्का देके स्टार्ट करना पड़ता है। तो अब नॉर्मल धक्का दे तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होती, दो चार लोगों को बुलाया जाता है, सब लोग मिलके काफ़ी जोर लगा के जब धक्का देते हैं तो उसको एक पुश मिल जाता है और फिर उस एनर्जी के हेल्प से गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। होता है ऐसा, कुछ ऐसा ही है हमारे रिएक्टेंट स्पीसीज के पास, कुछ ना कुछ एनर्जी होंगी, लेकिन जितनी एनर्जी चाहिए अगर वो उससे कम है तो उसको एक्स्ट्रा एनर्जी देना होगा, और जो एक्स्ट्रा एनर्जी देंगे आप उसी को हम क्या कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिव का मतलब स्टार्ट करना, किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट कराने के लिए जो आप एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड करते हैं दैट इज नोन एज एक्टिवेशन एनर्जी। अभी हम आगे लिखाएंगे भैया, परेशान ना हो, अभी तो हम आपको छोटा सा ओवरव्यू इसलिए दे रहे हैं ताकि जब हम वहाँ एक्सप्लेन करें तो आपको आइडिया लगे कि क्या बातें हो रही हैं। आइए देखिए, पहले हम समझेंगे कि एनर्जी बैरियर क्या है। उससे वो समझने से पहले, हाँ एनर्जी बैरियर को भी समझने से पहले हमें कुछ नए नए टर्म्स सीखने हैं, क्योंकि बिना उसके सीखे हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो देखिए, आप एनर्जी बैरियर को भी इग्नोर करेंगे, ठीक है, हम इसको आगे फिर से हेडिंग बना लेंगे, आप इसको छोड़ दें, आप इसको हेडिंग यहाँ ना बनाएं। पहले आप एक्स्ट्रा टर्म्स कुछ सीख लें जिसकी ज़रूरत पड़ेगी हमें। पहले देखिए एन्थैल्पी क्या होती है। देखिए एन्थैल्पी कितने की स्टैंडर्ड डेफिनेशन होती है, लेकिन हम यहाँ पर एन्थैल्पी को बहुत ही छोटी सी चीज़ों में डिफाइन करते हैं, दैट इज हीट एक्सचेंज हैपनिंग इन द रिएक्शन। हाँ, हम एन्थैल्पी को क्या कहेंगे कि किसी भी रिएक्शन में हीट का क्या एक्सचेंज हुआ, यानी कि हीट एब्जॉर्ब हो गया, हीट रिलीज हो रही है, दोनों चीज़ें हो सकती है। हीट एब्जॉर्ब हो रही है यानी कि एंडोथर्मिक रिएक्शन हो गया, हीट अगर रिलीज हो रही है तो एक्सोथर्मिक हो गया, फिर वो कितनी हुई, ये सारी चीज़ें किसके बेस पर हम डिसाइड करते हैं, दैट इज एन्थैल्पी, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ एन्थैल्पी। वंस अगेन, ये इसकी कंसेप्चुअल डेफिनेशन नहीं है कि उसकी हमें ज़रूरत नहीं, हमें यहाँ पे सिर्फ कॉन्सेप्ट सीखना है। तो एन्थैल्पी का आप छोटा सा मतलब समझ के रखिए, किसी भी रिएक्शन में कितनी एनर्जी रिलीज ऑब्जॉर्व हो रही है इन द फॉर्म ऑफ हीट, वो किसके बेस पर डिफाइन होता है, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ एन्थैल्पी डेफिनेशन वी कैन डिफाइन। अब कैसे कैलकुलेट करते हैं, अब बात ये है फिर एन्थैल्पी को हम किसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो दैट इज डेल्टा एच। कैसे कैलकुलेट करते हैं, दैट इज ऑलवेज एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट। हाँ, कैसे कैलकुलेट करते हैं, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट। अब इसी एन्थैल्पी के बेसिस पे हमारे जो भी रिएक्शंस हैं वो दो टाइप में डिवाइडेड होती हैं, पहला कौन सा, दैट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन एंड दूसरा एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ये हम पहले एक्सोथर्मिक रिएक्शन को डिस्कस करते हैं, फिर हम एंडोथर्मिक रिएक्शन के बारे में भी बात करेंगे। तो देखिए, जब आप एक्सोथर्मिक रिएक्शन की बात करते हैं तो वहाँ पर डेल्टा एच की वैल्यू क्या होती है, लेस देन जीरो, यानी कि डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव आएगी। अब देखिए, अगर डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो इसका मतलब इसकी वैल्यू बड़ी है कि इसकी वैल्यू बड़ी है, हाँ ये सेकेंड वाली की वैल्यू बड़ी होगी, यानी कि उस केस में एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट इज ग्रेटर देन एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट। ये चीज़ देखिए यहाँ लिखा गया है, एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट, ये सिंबल ग्रेटर देन का एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि हम क्या कह सकते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन में डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव आएगी, और जिसका मतलब ये हुआ कि एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट स्पीसीज ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू द एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट स्पीसीज। और माइनस एच या माइनस डेल्टा एच की वैल्यू अगर नेगेटिव आती है तो इसका मतलब सिंपल से ये कहेंगे कि ये रिएक्शन कैसी है, एक्सोथर्मिक, यहाँ से हीट रिलीज हो रही होगी। नेक्स्ट हमारा एंडोथर्मिक रिएक्शंस,
इसमें क्या होती है, हीट एब्जॉर्ब होती है, जस्ट अपोजिट है। तो यहाँ डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव आ रही थी, तो यहाँ डेल्टा एच की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव। और डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव तभी आएगी जब एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट इज मोर देन एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट, जब एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट इज मोर देन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। क्योंकि अगर ये बड़ा होगा तो बड़े में से छोटा माइनस करेंगे तो आंसर पॉजिटिव ही आ जाएगा। कर सकते हैं, चलिए। तो एक छोटी सी पॉइंट है जिसको आप ध्यान रखेंगे, आगे हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। अब हम थोड़ा सा एनर्जी डायग्राम की बात कर लें। इस डायग्राम में बहुत कुछ सीखना है आपको, राइट। तो देखिए, हम इस डायग्राम को एक बार वापस से बनाने की कोशिश करते हैं। यही समस्या है, आप तो देख ही रहे हैं। आधी पार्ट विजिबल ही नहीं होती है। खैर कोई नहीं। अब देखिए, एक्चुअली क्या होता है, जब कोलिजन्स होती हैं, राइट, तो रिएक्टेंट के पास कुछ ना कुछ एनर्जी होती हैं। अब ये बात और है, कई बार उसके पास प्रोडक्ट से ज़्यादा एनर्जी हो जाती हैं, कई बार उसके पास कम होती हैं, बट होती ज़रूर है। अब देखिए, अब मान लीजिए हमारे जो रिएक्टेंट स्पीसीज, उसके पास कुछ ना कुछ एनर्जी है। हम मान लेते हैं यहाँ पर ये पॉइंट, यहाँ तक उसके पास ये गैप जो दिख रहा है आपको ना, इतनी एनर्जी इसके पास पहले से है। दिस इज द एक्सिस ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ तक तो इसके पास एनर्जी है, लेकिन ये जो रिएक्शन होती है, जब कोलिजन होता है तो वहाँ पे कॉम्प्लेक्स बनता है। मान लीजिए हम ए और बी का रिएक्शन करा रहे हैं, तो ए और बी एक दूसरे में कोलाइड करेंगे। जब ये कोलाइड करते हैं तो ये कॉम्प्लेक्स बनाते हैं ए बी, और इस कॉम्प्लेक्स को हम बोलते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। क्या कहते हैं हम, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। और इस कॉम्प्लेक्स को बनाने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होता है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स को बनाने के लिए। और ये टोटली अनस्टेबल होता है, यानी कि इसकी एनर्जी बहुत ही ज़्यादा होनी चाहिए। तो आप बताएं मुझे क्या करना होगा, ये जो एनर्जी है, फिर से इरेज हो गया, कोई नहीं, ये जो एनर्जी यहाँ तक है रिएक्टेंट की, इतने में काम नहीं चलेगा, और एनर्जी देना होगा। तो हम इसको एनर्जी प्रोवाइड करेंगे और ये ऐसा उठ के पीक बनाएगा, ठीक है। तो ये जो वैल्यू आपको दिख रही है, मैक्सिमम वैल्यू, ये है इसकी मैक्सिमम वैल्यू, इससे ज़्यादा ये ऊपर नहीं जा सकता। तो ये जो एनर्जी है, इसको हम बोलते हैं एक्टिवेटेड एनर्जी या एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे बनेगा हमारा, हम एसी लिख देते हैं, दिस इज गोइंग टू बी एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। अब एक चीज़ बताएं, अगर आपको टॉप पे जाना है सीढ़ी चढ़ के, या फिर रोड है जो कि स्लोप है ऐसे ऊपर की तरफ, ठीक है, आपको एक बॉल है यहाँ पे, उस बॉल को यहाँ पहुँचाना है, तो आपको फोर्स लगाना पड़ेगा, अपने से तो यहाँ से यहाँ जाएगी नहीं। तो आपने एनर्जी देके इसको यहाँ तक पहुँचा दिया, यानी कि अब आपकी बॉल यहाँ पर पहुँच गई है, और ये रोड ऐसा है उसके बाद। तो क्या बताइए, यहाँ से भी आपको एनर्जी देना होगा बॉल को नीचे ले जाने के लिए? नहीं, बस इस बॉल को आप यहाँ छोड़ देंगे तो बॉल अपने आप ये नीचे चली जाएगी। बात समझ में आ गई? बस दिक्कत कहाँ तक थी, इस बॉल को यहाँ से यहाँ तक ले जाने के लिए तो आपने एनर्जी दिया, क्योंकि अगर आप यहाँ पे ले जाकर छोड़ दे तो वो वापस आ जाता, लेकिन यहाँ ले जाने के बाद आपको कोई एनर्जी नहीं देना है, इसके बाद तो वो अपने आप नीचे चला जाएगा। कुछ यही है, जैसे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक तो एनर्जी आपको देना पड़ा, लेकिन ये पीक पे पहुँच गया, अब इसको एनर्जी देने की कोई ज़रूरत नहीं है, और ये ग्राफ वापस अपने नीचे की तरफ बढ़ने लगेगा। इस ग्राफ को हम थोड़ा सा ऊपर ही छोड़ देते हैं। ये आपकी ग्राफ, यहाँ पे एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट है। एक्चुअली मैं एक बार देख लूँ आपको अच्छे से विजिबल है या नहीं, विजिबल है, बट फिर भी हम कोशिश करते हैं इसको थोड़ा सा और बड़ा करके आपको एक्सप्लेन कर दे। हाँ, फिलहाल आप एक ही ग्राफ पे फोकस करें, ठीक है, फिर हम सेकेंड ग्राफ को बाद में डिस्कस कर लेंगे। तो देखिए, ये एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट है, यहाँ से आपने एनर्जी दिया तो ये कहाँ पहुँच गया, एकदम अपने पीक वैल्यू पे, जहाँ पे क्या बनेगा, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। और एक बार अगर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बन गया तो उसके बाद आपको कोई एनर्जी नहीं देना है, वो अपने आप
वो अपने आप ही अपने रिएक्शन को कंप्लीट अब कर लेगा, यानी उसके बाद आपको एनर्जी देने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। एक चीज क्लियर हो गई, आपको इसे बहुत सारे रीजन्स दिखेंगे, ध्यान से देखिए। अब ये है इसकी पीक वैल्यू, यहां से यहां तक जाने के लिए जो आपको एनर्जी चाहिए, ये पार्ट अगर आपको विजुअल नहीं है तो हम यहां बनाकर दिखाने की कोशिश करते हैं। देखिए ये पीक वैल्यू है, तो यहां पे इसको कट करेगा। अब एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट इतना है और एक्चुअली कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए इतनी एनर्जी चाहिए, राइट? तो ये एनर्जी इतना जो गैप दिख रहा है, ये एनर्जी कहां से मिलेगी? मुझे एक्स्ट्रा ये एनर्जी प्रोवाइड करना होगा, और ये जो एनर्जी हम एक्स्ट्रा प्रोवाइड करते हैं किसी भी रिएक्टेंट को कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए, उसको हम क्या कहते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं, यानी इसको हम क्या कहेंगे? एक्टिवेशन एनर्जी। अब एक्टिवेशन एनर्जी भी दो टाइप की होती है, हाँ, एक होता है फॉरवर्ड एक्टिवेशन एनर्जी और एक होता है बैकवर्ड एक्टिवेशन एनर्जी। अब फॉरवर्ड एक्टिवेशन एनर्जी बहुत सिंपल सा है, रिएक्टेंट को प्रोडक्ट यानी कि रिएक्शन को आगे लेके जाने के लिए, आगे की तरफ लेके जाने के लिए जो एनर्जी चाहिए, दैट इज एक्टिवेशन, फॉरवर्ड एक्टिवेशन एनर्जी। तो हम इसको क्या लिखेंगे? EAF। EAF स्टैंड फॉर फॉरवर्ड एक्टिवेशन एनर्जी, इस रिएक्टेंट को प्रोडक्ट बनाने के लिए। वहीं पे अगर मैं इस प्रोडक्ट से रिएक्टेंट को वापस बनाना चाहूँ तो देखिए, फिर मुझे यहाँ से इस कॉम्प्लेक्स यहाँ तक तो वैल्यू हमें प्रोवाइड करना पड़ेगा, तभी ये यहाँ पहुँचेगा, और यहाँ पहुँचने के बाद ये वापस यहाँ आ सकता है। लेकिन समस्या ये कि इसको यहाँ से यहाँ तक पहुँचने की एनर्जी फिर मुझे देना पड़ेगा, तो वो भी एक्टिवेशन एनर्जी है, लेकिन क्योंकि मैं प्रोडक्ट को अब वापस रिएक्टेंट लेके जा रहा हूँ यानी बैकवर्ड कंडीशन में, इसलिए मैं इसको क्या कहता हूँ? बैकवर्ड एक्टिवेशन एनर्जी, या फिर EAB। ई ए स्टैंड्स फॉर एक्टिवेशन एनर्जी, बी स्टैंड्स फॉर बैकवर्ड, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ लेके जाने के लिए। वहीं पे एक्टिवेशन एनर्जी जो हम EAF लिखे हैं, दिख नहीं रहा है यहाँ पर आपको, मेरे डायग्राम में दिखेगा EAF, वो क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन, रिएक्टेंट को प्रोडक्ट बनाने के लिए, रिएक्टेंट से कॉम्प्लेक्स बनाने तक की जो एनर्जी चाहिए, दैट इज EAF। वहीं पे प्रोडक्ट से अगर कॉम्प्लेक्स तक बनाना है तो वो एनर्जी क्या चाहिए? EAB, यानी कि एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द बैकवर्ड रिएक्शन। साफ शब्दों में आप फॉरवर्ड और बैकवर्ड के पीछे बरसात ना हो, यूँ याद रखिए कि कोई एक रिएक्टेंट है, उसको आपस में कोलाइड करना होगा, कोलाइड करके एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाना पड़ता है, तभी रिएक्शन आगे बढ़ती है। लेकिन एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाने के बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए, जो कि रिएक्टेंट के बाद कई बार नहीं होती, तो हमें एक्स्ट्रा प्रोवाइड करनी पड़ती है। वही एनर्जी क्या कहलाती है? एक्टिवेशन एनर्जी। अगर वो रिएक्टेंट से कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए चाहिए तो हम उसको बोलते हैं फॉरवर्ड एक्टिवेशन एनर्जी। वहीं अगर प्रोडक्ट से कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए चाहिए, यानी कि वो अपोजिट डायरेक्शन बनाने के लिए चाहिए, तो हम उसको कहते हैं बैकवर्ड एक्टिवेशन एनर्जी। इतना कर सकते हैं। अब कुछ छोटी छोटी चीज़ें और आप डिफाइन कर सकते हैं, जैसे ये देखिए, इसको आप यहाँ लेके आएंगे, सो ये ग्राफ यहाँ कट करेगा, और हमने कह दिया ये क्या हमारा EP, क्या कह दिया हमने? EP मतलब प्रोडक्ट एनर्जी। अब ध्यान से देखिए आप, ये जो प्रोडक्ट है और ये जो रिएक्टेंट है, इसके बीच कुछ ना कुछ गैप है, और आप एक पीक वैल्यू यहाँ भी देख रहे होंगे, यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक, हाँ, मतलब एक्स एक्सिस से लेके जो पीक वैल्यू तक की पूरी एनर्जी है, जिसमें कि रिएक्टेंट एनर्जी प्लस एक्टिवेशन एनर्जी दोनों इंक्लूड है, इस एनर्जी को हम बोलते हैं थ्रेशहोल्ड एनर्जी। क्या बोलते हैं हम? थ्रेशहोल्ड एनर्जी। अगर आपको थ्रेशहोल्ड एनर्जी के लिए फॉर्मूला लिखना हो, तब क्या कहेंगे? थ्रेशहोल्ड एनर्जी यहां से लेके यहां तक पूरा है, और वो वैल्यू किसकी को लाएगी? एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट प्लस फॉरवर्ड एक्टिवेशन एनर्जी। या फिर आप उसको ऐसे भी कह सकते हैं, सर ये भी तो कहा जा सकता है यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, बिल्कुल कहा जा सकता है। तो यहाँ से यहाँ तक की एनर्जी आप क्या कहेंगे? दैट इज एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। और यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू क्या है? दैट इज बैकवर्ड, हाँ दैट इज बैकवर्ड एक्टिवेशन एनर्जी। तब चाहे फॉरवर्ड के टर्म में बोले, चाहे बैकवर्ड के फॉर्म में बोले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये चीज़ें हैं, उम्मीद आपको लगभग समझ में तो आई गई होंगी। आइए अपने ग्राफ में एक बार और एक्सप्लोर कर देते हैं हम इसको। देखिए, यह है थ्रेशोल्ड एनर्जी, एक्स एक्सिस से पूरा एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए, जबकि जनरली हमें पूरी एनर्जी देने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि रिएक्टेंट्स के पास कुछ ना कुछ एनर्जी पहले से ही होती है। किस फॉर्म में होती है? काइनेटिक एनर्जी में, क्योंकि मॉलिक्यूल्स हैं वो लगातार घूमते रहते हैं, तो उनके पास काइनेटिक एनर्जी होती है। इतनी सी बातें आपको बताया। कुछ ग्राफ कैलकुलेशन आपको देखना होगा, जैसे डेल्टा एच क्या होता है?
दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट एंड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। तो देखिए डेल्टा एच की वैल्यू आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, या फिर डेल्टा एच यही है दोनों के बीच का गैप, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के बीच का गैप। तो देखिए ये यहाँ से यहाँ तक के पूरी गैप क्या है, ई ए एफ, और यहाँ से यहाँ तक का गैप कितना है, ई ए बी। ये है फॉरवर्ड एक्टिवेशन एनर्जी और ये है बैकवर्ड एक्टिवेशन एनर्जी। आप बताएं आपको ये चीज़ अगर निकालनी है कैसे निकालेंगे, टोटल माइनस ये एरिया हटा देंगे तो ये एरिया बचेगा। यानी कि हम डेल्टा एच के लिए एक छोटा सा रिलेशन और बना सकते हैं, दैट इज डेल्टा एच इज इक्वल टू टोटल एरिया, यहाँ से यहाँ तक का टोटल एरिया क्या है, दैट इज फॉरवर्ड एक्टिवेशन एनर्जी, दैट इज ई ए एफ, माइनस छोटा वाला क्या है, हाँ बैकवर्ड एक्टिवेशन एनर्जी, दैट इज ई ए बी। तब चाहे डेल्टा एच की वैल्यू ई ए एफ माइनस ई ए बी लिखे, या डेल्टा एच की वैल्यू आप ई पी माइनस ई आर लिखे, दोनों ही सही है, बट आप इसको प्रीफर करें ये ज़्यादा अच्छा है। चलिए तो इसमें कुछ रटना नहीं है, चीज़ों को देखना है, समझना है और उसके बाद जाने देना है। तो आपको कुल मिलाकर के कुछ ये समझ में आ गया, थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होती है, जीरो से लेके एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाने तक की टोटल एनर्जी जितनी चाहिए होती, दैट इज थ्रेशोल्ड एनर्जी। वहीं पे अगर हम फॉरवर्ड एक्टिवेशन एनर्जी की बात करें, सो इट इज दैट मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड द एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंस टू फॉर्म द कॉम्प्लेक्स, टू फॉर्म द कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट, दैट इज नोन एज फॉरवर्ड एक्टिवेशन एनर्जी। वहीं पे बैकवर्ड का उल्टा बोलेंगे, प्रोडक्ट में एनर्जी और प्रोडक्ट में कितनी और एनर्जी दे दे कि वो कॉम्प्लेक्स बना ले, सिंपल है। दिस इज द ग्राफ फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन एंड दिस इज द ग्राफ फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन, राइट है। तो देखिए एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, और एक्सोथर्मिक में क्या होता है, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट इज लेस देन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। तो क्योंकि इसका एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट कम होता है तो ये ग्राफ रिएक्टेंट के नीचे चला जाएगा, तभी तो एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट कम होगा। देखिए इतना ही है एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट इतना है, तो ग्राफ हम डिपेंड करेगा कि एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है। फिलहाल आपको ये सब ग्राफ रटने नहीं है, ग्राफ से बहुत सारी चीज़ें को सीखना था आपको, कर सकते हैं। तो चलिए अब आपके काम की कुछ चीज़ें हम दिखा देते हैं। जैसे ये देखिए प्रोसेस में क्या हो रहा है आपका, अगर एक्सिस डिफाइन करना तो इधर तो आपका रिएक्शन चल रहा होगा, दैट इज प्रोग्रेस या कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, और इधर आपका एनर्जी का ग्राफ चलता है। प्रोसेस में क्या हो रहा है, जब ए और बी दो रिएक्टेंट आपस में कंबाइन होते हैं तो क्या बनाते हैं, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, जो कि हाईली अनस्टेबल होता है, यानी उसके पास एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, वो स्टेबिलिटी गेन नहीं कर पाता। चलिए नेक्स्ट हम लिख लेते हैं अब एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है। समझ तो गए हैं आप एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, अब हम आपको ये चीज़ लिखा भी देते हैं। तो लिख लेंगे, इट कैन बी डिफाइंड एज द एडिशनल एनर्जी, एडिशनल मतलब एक्स्ट्रा एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स टू फॉर्म द एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। हाँ एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट में कितनी एक्स्ट्रा एनर्जी हम दे दें कि वो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना सके, दैट इज नोन एज एक्टिवेशन एनर्जी, जो कि हमने पीछे सीखा था वही चीज यहाँ लिखा हुआ है, तो आप लिख लेंगे उसको। नेक्स्ट है फॉर एनी गिवन रिएक्शन, किसी भी दिए हुए रिएक्शन के लिए हम थ्रेशोल्ड एनर्जी को डिफाइन कर सकते हैं। थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है, टोटल एनर्जी, यानी कि एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट प्लस फॉरवर्ड एक्टिवेशन एनर्जी, सो एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट प्लस एक्टिवेशन एनर्जी, जिसको हम फॉरवर्ड एक्टिवेशन एनर्जी कहें तो ज़्यादा अच्छा है। अब एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन कैसे कैलकुलेट करते हैं, एंथैल्पी मतलब हीट एक्सचेंज, तो डेल्टा एच इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। तो आप इसको एक्सिस पर कैसे देखे थे, दैट इज ई ए एफ, यानी कि फॉरवर्ड एक्टिवेशन एनर्जी माइनस बैकवर्ड एक्टिवेशन एनर्जी। अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं, दैट इज एनर्जी बैरियर क्या होता है, राइट। देखिए फॉर अ मॉलिक्यूल टू सो इफेक्टिव कोलिजन, हाँ कोई भी मॉलिक्यूल हो अगर वो इफेक्टिव कोलिजन करना चाहता है, देन इट मस्ट पोजेस अ सर्टेन मिनिमम एनर्जी, उसके पास कुछ एक फिक्स अमाउंट की एनर्जी होनी चाहिए तभी वो इफेक्टिव कोलिजन कर पाएगा, अदरवाइज कोलिजन तो होगी लेकिन वो इफेक्टिव नहीं हो सकती है। तो देखिए उसके लिए कुछ नोट पॉइंट्स हैं, क्या है,
अकॉर्डिंग टू कोलिजन थियरी, अगर हम कोलिजन थियरी के अनुसार बात करें, ओनली दोज मॉलिक्यूल्स विच हैव एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट ग्रेटर देन और इक्वल टू एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कैन पार्टिसिपेट इन इफेक्टिव कोलिजन। हाँ, जितना एनर्जी चाहिए कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए, अगर उतनी एनर्जी आपके रिएक्टेंट स्पीसी के पास पहले से ही है या उससे ज़्यादा है, तब तो वो क्या करेगा, कोलिजन इफेक्टिव होगी। अगर उससे कम है तो वो कोलिजन कभी भी कॉम्प्लेक्स बना ही नहीं पाएगा, और कॉम्प्लेक्स अगर नहीं बनेगा तो रिएक्शन आगे नहीं बढ़ पाएगी, यानी कि वो कोलिजन इन इफेक्टिव मानी जाएगी, उसका हमारे प्रोडक्ट फॉर्मेशन में कोई रोल नहीं होगा। एक बार फिर से देख लें, मैंने अभी कहा कि मेरा रिएक्शन तभी कम्प्लीट होगा जब कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए कुछ एनर्जी चाहिए। अगर उतनी एनर्जी आपके रिएक्टेंट स्पीसीज के पास है या उससे ज़्यादा भी है तो भी ठीक है, कम नहीं होनी चाहिए। तो अगर उतनी एनर्जी मिल गई तो ये कॉम्प्लेक्स बना लेगा, कॉम्प्लेक्स बनाने के बाद रिएक्शन आगे बढ़ जाएगी, और उस केस में आप कह सकते हैं कि कोलिजन जो होगी दैट इज इफेक्टिव कोलिजन। बात समझ में आ रही है? हाँ, यानी कि एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए चाहिए, जिसको हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं, अगर उतनी एनर्जी रिएक्टेंट के पास है या उससे ज़्यादा, तब तो ठीक है, तब तो कोलिजन इफेक्टिव कोलिजन होगी। अगर उससे कम है तो इफेक्टिव कोलिजन वो नहीं हो सकती। देखिए, एक छोटा सा फॉर्मूला है, आपको रटना नहीं है, बस आप जानते रहें। रेट ऑफ द रिएक्शन क्या होता है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड ए बी इंटू ई टू द पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। वहाँ आपको समझना है कि ये जो रेट ऑफ द रिएक्शन है, कोई भी रिएक्शन की रेट, वो दो चीज़ों पर डिपेंड करेगी, पहला जेड ए बी, दूसरा ई टू द पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। तो जेड ए बी क्या होती है, हमारी कोलिजन फ्रिक्वेंसी। कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या होती है, इट इज दैट नंबर ऑफ कोलिजन्स, नॉट इफेक्टिव कोलिजन्स, इट इज द टोटल नंबर ऑफ कोलिजन्स गेटिंग प्लेस्ड इन 1 सेकेंड इन 1 यूनिट वॉल्यूम, दैट इज नोन एज कोलिजन फ्रीक्वेंसी। हाँ, उसमें इफेक्टिव हो इनफेक्टिव हो सब काउंटेड है, राइट? तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी में आपको ये नहीं देखना है कि इफेक्टिव ही काउंटेड हो गए, उसमें इफेक्टिव इनफेक्टिव सब काउंटेड होंगी। तो हो गए जेड ए बी इंटू, अब ये क्या है, ई टू द पावर माइनस ई अपॉन आर टी, ये तो एक्सपोनेंशियल कंडीशन है। ये क्या है हमारा एक्टिवेशन करने एक्टिवेशन एनर्जी, आर क्या होता है गैस कॉन्स्टेंट, टी क्या होता है टेम्परेचर, बट आपको इस सब कोई वैल्यू नहीं रखनी है, कुछ याद नहीं रखना है, बस आपको इस पूरे टर्म का मतलब पता होना चाहिए। इट इज शोइंग द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल शोइंग इफेक्टिव कोलिजन। जाहिर सी बात तो है नहीं, अभी मैंने कहा यहाँ पर कोलिजन फ्रिक्वेंसी, यानी कि चाहे वो कोलिजन इफेक्टिव हो या इनफेक्टिव सब काउंट करते हैं, लेकिन उसमें से जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा, जिस रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाएंगे, वो कौन होंगे, जो सिर्फ इफेक्टिव कोलिजन शो कर रहे होंगे। तो जब हम पूरे में से किसी एक पर्टिकुलर हिस्से की बात करते हैं तो हम फ्रैक्शन डिफाइन करते हैं। तो ये क्या शो करता है, इट इज शोइंग द फ्रैक्शन ऑफ दोज मॉलिक्यूल्स विच कैन शो इफेक्टिव कोलिजन्स। सो दिस इज फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स विथ एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट इक्वल और ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी। और ये कौन सी एनर्जी होंगी, हाँ, दैट इज गोइंग टू बी एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स एनर्जी के बनाने के जितनी एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए उसके इक्वल या उससे ज़्यादा वाली, यानी कि जो इफेक्टिव कोलिजन शो करते हैं, सिर्फ उन्हीं के बारे में बात हो रही है। तो एक बार फिर से, जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो दो चीज़ों पर डिपेंड करेगा, पहला कोलिजन फ्रिक्वेंसी। कोलिजन फ्रिक्वेंसी इस बात पर बिल्कुल डिपेंड नहीं करती कि कोलिजन इफेक्टिव है या नहीं। वहीं पर जो दूसरा टर्म है, दैट इज शोइंग द फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव कोलिजन या फ्रैक्शन ऑफ द नंबर ऑफ कोलिजन्स विच आर इफेक्टिव। और इफेक्टिव कोलिजन सिर्फ वही शो करती हैं जिन रिएक्टेंट्स की एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी के इक्वल या उससे ज़्यादा होती है। नेक्स्ट है हमारा ओरिएंटेशन बैरियर। तो एनर्जी बैरियर तो आपने देख लिया कि भाई ये देखो इतना एनर्जी चाहिए तभी कॉम्प्लेक्स बनेगा, तभी रिएक्शन आगे बढ़ेगी। तो अगर रिएक्टेंट के पास उतना है तब तो कोलिजन इफेक्टिव होगा और तब हो सकता है कि प्रोडक्ट बनाने में वो काम आए। अभी भी मैंने कहा हो सकता है, जरूरी नहीं आपने जेई मेन क्वालिफाई किया तब जेई एडवांस क्वालिफाई ही होगा, यानी कि आप पर फाइनल सिलेक्शन जेई एडवांस पर डिपेंड करेगा। तो एनर्जी बैरियर तो इसने क्रॉस कर लिया, एक और बैरियर है दैट इज ओरिएंटेशन बैरियर। जब तक इसको क्रॉस नहीं करेगा हम इसके बारे में अभी कुछ खास डेफिनेटली नहीं कह सकते कि हो जाएगा, हो सकता है, बट होगा ही होगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। तो वो कौन गारंटी देगा, दैट इज ओरिएंटेशन बैरियर।
इसको आप एक एग्जांपल से समझें। मान लीजिए मेरे पास एक एग्जांपल है, दैट इज CH3Br रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्साइड आयन OH- NMax मेथनॉल प्लस ब्रोमीन आयन। एक्चुअली इसमें क्या होता है, ये जो हाइड्रोक्साइड आयन है वो इस पर अटैक करेगा और ब्रोमीन को यहाँ से रिलीज करा देगा, यानी कि ब्रोमीन को हटा के खुद वहाँ पर रिएक्ट करेगा। तो जब ये रिएक्ट करेगा तो CH3OH बनेगा और Br- देख के तो आपको लग रहा है आराम से हो जाएगा, ऐसा नहीं है। बहुत सारे कंडीशंस है, ये तो हमें बाहर बाहर की चीज़ें दिखाई जाती है कि देखो ऐसा हो रहा है, अब एक्चुअली जो हो रहा है वो आपको यहाँ दिखाने की कोशिश की गई। देखिए अगर हम CH3Br को अच्छे से लिखे तो हमें ऐसे लिखना होगा CH3Br वहीं पे, आपको हम यहाँ लिख के ही दिखाते हैं। देखिए CH3Br, तो आपको एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, तीन हाइड्रोजन और यहाँ पर होगा आपका ब्रोमीन, राइट। इससे किससे रिएक्शन कराना हमें, हाइड्रोक्साइड आयन से। तो आप इसको ज़्यादा फोकस ना करें, पहले आप ये देखें ये जो ब्रोमीन आयन है और ये जो कार्बन है दोनों में से किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी। हाँ ब्रोमीन आयन की ज़्यादा होगी, यानी कि ये क्या हो जाएगा, पार्शियल नेगेटिव। क्यों? क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो ये जो यहाँ पर शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की पेयर है उसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा और खुद नेगेटिव चार्ज हो जाएगा अगर ये नेगेटिव चार्ज होगा मतलब पार्शियल नेगेटिव, तो ये क्या हो जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव, राइट। अब समस्या ये है कि इसी हाइड्रोक्साइड आयन को रिएक्ट करना है किससे, कार्बन से। तब तो ये कार्बन से कैसे रिएक्ट करेगा, ऐसे चलेगा आएगा रिएक्ट करने, राइट। क्या ये ब्रोमीन जिसमें पहले से ही पार्शियल नेगेटिव है इसको आने देगा, नहीं आने देगा। सवाल है क्यों, सवाल बहुत सिंपल सा है कि क्यों नहीं आने देगा। ये देखिए क्या है, नेगेटिव चार्ज, ये भी क्या है पार्शियल नेगेटिव, लेकिन नेचर क्या है, नेगेटिव। जैसे ही ये पास आएगा इनके बीच क्या शुरू हो जाएगा, रिपल्सन। और मजाल जो ये इसके पास, तो छोड़िए ये अपने पास नहीं आने देगा तो इसके पास ये कैसे पहुंच सकता है, यानी कि ये कहेगा कि तुम इधर से तो जाने नहीं देंगे तुम्हें, जो कर लो। तो फिर कैसे रिएक्शन होंगी, हाँ इसका मतलब जरूरी नहीं था, मैंने यही कहा ना कि जरूरी नहीं है कि जो एनर्जी बैरियर क्रॉस कर ले, जिनके पास एनर्जी है वो सब प्रोडक्ट बनाएंगे ही। अब वो ओरिएंटेशन पे भी डिपेंड करेगा कि क्या पता वो वहाँ तक पहुँच पा रहा है या नहीं। तो यहाँ से तो नहीं जा सकता, इधर से भी नहीं जा सकता। रीजन क्या है, ये फिर यहाँ पर जैसे आएगा वो रिपल्सन शुरू करेगा, यहाँ से भी नहीं जा सकता। एक ही और तरीका बचा है, हाँ, और वो क्या है भाई, घूम के जाना पड़ेगा। ये यहाँ से चलेगा ऐसे और यहाँ पीछे से आके अटैक करेगा। क्यों? क्योंकि इधर आपको कहीं पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज नहीं मिलेगा, तो यहाँ से ऐसे घूमते घूमते आगे तब जाके कंबाइन होगा। अब सोचिए कि सिर्फ एक स्पीसी का कोलिजन, यानी कि एक इस स्पीसी आयन को सिर्फ कोलाइड करने के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ी, इन सब चीज़ों को छोड़ छाड़ के इधर से घूम के पीछे से अटैक करना पड़ा। तो अगर मेरे पास तीन तीन चार चार स्पीसीज होंगी तो बताइए क्या चांसेस है कि उनको मौका मिलेगा जाके रिएक्ट करने का, बहुत ही कम। एक के लिए तो इतनी दिक्कतें होंगी, दो तीन चार होंगी तब तो और दिक्कतें बढ़ जाएंगी। इसीलिए जैसे जैसे तीन से ज़्यादा मॉलिक्युलरिटी बढ़ जाती है तो हम कहते हैं कि ये रिएक्शंस बहुत ही कम ऑब्जॉर्व होती है। रीजन बहुत क्लियर है, ये ओरिएंटेशन आप ले तो लेंगे स्पेसिफिक कोलाइड कराने के लिए, कोलिजन हमें पकड़े तो कराना नहीं कि हम यहाँ से उठा के लाएँ यहाँ रख देंगे भाई हो गया, ये तो इसे खुद जाके अटैक कराना होगा और वो उसको उतना रास्ता नहीं मिल पाता। जब एक के लिए इतनी दिक्कतें हैं तो तीन चार की व्यवस्था कहाँ से हो पाती। इसीलिए जैसे जैसे मॉलिक्युलरिटी बढ़ती जाती है उन नंबर्स की रिएक्शन की जो नंबर होती है वो भी लगातार कम होने लगती है। तो ये है ओरिएंटेशन बैरियर, यानी कि अगर आप यहाँ से रिएक्शन कराना चाहते, मैंने बहुत कचड़ा कर दिया, मैं इसको पहले इरेज कर दूँ। तो देखिए इसको अलग अलग कर लेना, हाइड्रोजन 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 एंड ब्रोमीन, इस पर होगा डेल नेगेटिव और इस पर डेल पॉजिटिव, यानी पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव प्लस OH माइनस, और आपको ऐसे लेके जाना है। तो उस केस में आप लिखेंगे नो प्रोडक्ट, यहाँ कोई प्रोडक्ट नहीं बनेगा। क्यों भाई, आप सीधे से जाना ही चाहते हो, आपके जी तक नहीं, हम सीधा ही जाएंगे, ये आपको जाने ही नहीं देगा तो प्रोडक्ट यानी कि रिएक्शन होगी ही नहीं फिर आगे। फिर दूसरा कंडीशन, अगर आपको ऐसे दे दिया गया ये तीनों हाइड्रोजन
यहाँ पर ब्रोमीन, रिजल नेगेटिव, पार्सल पॉजिटिव, प्लस OH माइनस। और इस बार आपको कह दिया गया आप जैसे भी करा लो बस, तो आप इधर से आके घूम कर अटैक किए तो ये पॉसिबल है और फिर आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा, दैट इज CH3OH और फिर BR माइनस क्या हो जाएगा रिलीज, क्योंकि जब ये OH माइनस इसे रिएक्शन करके कंबाइन हो जाएगा तो ये BR माइनस पूरा अलग हो जाएगा और इस पर आ जाएगा कंप्लीट नेगेटिव चार्ज, दैट्स ऑल। यानी कि रिएक्शन होगा ये इस बात पे भी डिपेंड करता है कि रिएक्शन को कैसे फॉरवर्ड कराना है हमें, डायरेक्ट कई बार होगा, कई बार पीछे से कराना होगा, जहाँ से अरेंजमेंट हो सकती है वहाँ से कराना होगा। तो ये है हमारा ओरिएंटेशन बैरियर। हाँ, ओरिएंटेशन का मतलब पाथ, पाथ आपने डिसाइड किया, इधर से आते कोई चांस नहीं, इधर से आके कोई चांस नहीं, इधर से आके कोई चांस नहीं, सिर्फ एक ही चांस है इधर से आओ भाई घूम के, राइट। तो समझ में आ गया होगा आपको ओवरऑल। आइए देखिए, इसमें दोनों तरीके आपको एक ही बार में दिखा दिया गया, आप अलग अलग कर लेंगे अगर आपको दिक्कत है तो। देखिए, हाइड्रोक्साइड आयन जब इधर से रिएक्ट करने की कोशिश करेगा तो क्या हो जाएगा, इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन, यानी कि सही तरीका नहीं है, ये आपको पहले ही यहाँ से ही आपको भगाना शुरू कर देगा। जैसे आप यहाँ पर पहुँचेंगे लेके, इसको रिपल करके इधर भगा देगा, ये इधर आने ही नहीं देगा इसको, तो फिर क्या करें, तो दिस इज इन इफेक्टिव कोलिजन, नो प्रोडक्ट विल बी फॉर्म, कोई प्रोडक्ट नहीं बन पाएगा। नेक्स्ट, दूसरा तरीका हमें घुमा के लेके जाए पीछे से, हाँ दिस इज प्रॉपर ओरिएंटेशन एंड इफेक्टिव कोलिजन, प्रोडक्ट विल बी फॉर्म। तो ये ओरिएंटेशन एक काफ़ी अच्छा बैरियर होता है, जो हम क्या करते हैं छोटे से इग्नोर कर देते हैं, हम बस एनर्जी बैरियर देखते हैं, हाँ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की एनर्जी मिल गई तो रिएक्शन आगे बढ़ गया। अब वो रिएक्शन आगे बढ़ सकती है, ये कहना बिल्कुल सही है, कई केस में मैक्सिमम केस में बढ़ेगी, लेकिन हमेशा बढ़ेगी इस बात को कहना पूरा पूरा गलत हो जाएगा। क्या हो गया, चलिए यही सब चीज़ें हम आपको यहाँ पे लिखा दिया गया है। देखिए, फॉर ए कोलिजन टू बी इफेक्टिव अलॉन्ग विथ एक्टिवेशन एनर्जी द रिएक्टिव मॉलिक्यूल मस्ट कोलाइड विथ प्रॉपर ओरिएंटेशन, अदरवाइज द कोलिजन विल बी इनइफेक्टिव। साफ शब्दों में लिखा गया है कि सिर्फ एक्टिवेशन एनर्जी रिएक्टेंट के पास होना काफ़ी नहीं है, यानी कि सिर्फ आपका मेंस क्वालिफाई करना काफ़ी नहीं है, आपको उसके साथ साथ एडवांस में क्वालिफाई करना होगा। वही चीज़ यहाँ कही गई है, जैसे ही आपने एक्टिवेशन एनर्जी के पास एनर्जी आपने ले ली तो ली है, आप एक्टिविटी कॉम्प्लेक्स बना के आगे बढ़ गए, लेकिन इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि आपका प्रोडक्ट बनेगा ही, वो डिपेंड करेगा अगले बैरियर यानी कि ओरिएंटेशन बैरियर पर। तो अगर दोनों बैरियर आप क्रॉस कर पाते हैं तब तो आपको कोलिजन इफेक्टिव है, अदरवाइज वो इफेक्टिव नहीं होगा। मोर देन 3 मॉलिक्यूल्स कैन नॉट कोलाइड विद प्रॉपर ओरिएंटेशन, 3 से ज़्यादा अगर मॉलिक्यूल्स है तो उनको प्रॉपर ओरिएंटेशन तरीका ही नहीं मिलेगा, पाथ ही नहीं मिलेगा एक दूसरे से अट्रैक्ट करने के लिए, कोलाइड करने के लिए, तो प्रोडक्ट बनने के चांसेस बिल्कुल कम हो जाते हैं। यही रीजन है कि हमें 3 से ज़्यादा वाली मॉलिक्युलरिटी वाले रिएक्शंस देखने को बहुत ही कम मिलते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हाँ, एक चीज़ और है, दैट इज देखिए, आपको ये डिपेंडेंसी तो आपको पहले ही हमने दिखा दिया था, रेट किस पर डिपेंड करता है, ZAB क्या है, दैट इज द कोलिजन फ्रीक्वेंसी, कोलिजन फ्रीक्वेंसी में इफेक्टिव इन इफेक्टिव सब काउंटेड होते हैं। e टू द पावर माइनस ई अपॉन RT क्या शो करता है, इट शोज दैट फ्रैक्शन ऑफ नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स, कितने इफेक्टिव कोलिजन्स हैं टोटल में से उसके फ्रैक्शन को ये शो करता है, राइट। अब जाहिर सी बात है आप इस प्रोपोर्शनैलिटी सिंबल को हटाएंगे तो आपको एक कॉन्स्टेंट डिफाइन करना होता है, ये है हमारा P, इसको हम P फैक्टर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, P फैक्टर। बस तो आज इतना ही, और कुछ बचा है क्या, नहीं, तो आज इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। आप लोग थोड़ा सा इधर भी एडजस्ट करते रहें जब तक कि आपका वो नहीं चल रहा है, हाँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं आती है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी, सब लगातार आने लगेंगे फिर। टिल दैट थैंक यू सो मच।